हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूपीएससी वाला दिस इज सोनिया आहूजा और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी बुक सीरीज का चैप्टर फोर्थ पावर्टी इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट सो लेट्स स्टार्ट एज यू नो वी आर फॉलोइंग दिस सिलेबस स्कीम एंड इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट इन्फ्लेशन एंड हाउ डू वी कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड जी सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू दब्टर वेर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमें जी डी पी इन्फ्लेशन इन सब पैरामीटर्स की जरूरत क्यों है क्या मिलता है गवर्नमेंट को क्या करती है गवर्नमेंट जब उन्हें पता चल जाता है कि इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है या नेशनल इनकम हमारा इतना नहीं बढ़ रहा है या सो ऑन वॉट इज द मेन एम वेल द मेन एम इज टू हेल्प पीपल कम आउट ऑफ पॉवर्टी टू रिड्यूस इन इक्वालिटी एंड टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट क्योंकि यही एक गवर्नमेंट का या एक इकोनॉमी का मेन एम होता है कि उन्हें ये कोशिश करनी है कि जिस कंट्री की वो इकोनॉमी है उस कंट्री के सिटीज़न गरीबी में ना जिए उन्हें जो जो चाहिए वो उन्हें मिलता रहे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती रहे ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें सो so, इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ड होते क्या है वॉट इज़ पावर्टी वॉट डज इट मीन बाई इन वॉट इज़ द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हम बात करेंगे कि होती क्या है टाइप्स क्या है और कैसे होती है पावर्टी किस तरीके से पावर्टी कैलकुलेट की जाती है कि कैसे पता चलता है कि अगर कोई बोल रहा है कि इंडिया में यू नो सिक्सटीन परसेंट पीपल लिव अंडर द पावर्टी लाइन तो हाउ डज द गवर्नमेंट कम टू नो अबाउट दिस डाटा दिस सिक्सटीन परसेंट ये आई कहाँ से आया किस तरीके से कैलकुलेट होता है इनक्वालिटी क्या होती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की लाइफ पर या इकॉनमी पर इन जनरल कैसे इनक्वालिटी का डाटा निकलता है इम्पैक्ट क्या होता है इनकम इनक्वालिटी का और किस तरीके से गवर्नमेंट उसे मेजर करती है इम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या कारण होते हैं किस तरीके से मेजर किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं फिर पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्विस और गवर्नमेंट कौन से इनिशिएटिव ले रही है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के सो दिस इज़ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस लेक्चर नाउ लेट्स टॉक अबाउट पावर्टी गरीबी अगर आप इंडिया में रहते हैं और कहीं भी बाहर निकलते हैं तो आपने मंदिर मस्जिद के आगे सिग्नलों पे गरीबी देखी होगी मूवीज़ uh, में भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है स्लम डॉग मिलेनियर टाइप की यू you नो know, अगर आप बहुत इफ़ यू कॉन्ट हैव इन फूड टू ईट यूजली दैट इज़ रिप्रजेंटेड भूख जिसे कहते हैं दैट इज़ रिप्रजेंटेड एज गरीबी पर एक इकोनॉमी एक गवर्नमेंट गरीबी को किस तरीके से डिफेंड करती है वो कहती है कि इट्स अ स्टेट पावर्टी इज़ अ स्टेट इन विच अ पर्सन और अ कम्युनिटी लोग और ग्रुप या एक इंसान पूरी कम्युनिटी उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो ताकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जो है ज़िंदगी की उसको पूरा कर सकें तो क्या हैं ये बेसिक नेसेसिटीज जिंदगी की मोस्टली वी कॉल इट रोटी कपड़ा मकान राइट मे बी एड एयर एंड वाटर बट ना प्रॉब्लम विथ द डेफिनेशन ऑफ गरीबी इज कि इट्स नेवर एब्सोल्यूट क्योंकि ये जो है ना बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ ये बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट uh, है ठीक है आपको जीने के लिए क्या चाहिए ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं है ना फॉर uh, एग्जाम्पल अब तक लंबे समय तक गरीबी को रोटी कपड़ा मकान से जोड़ा जाता था, था कि इफ़ यू डोंट हैव अपने सिर के ऊपर छत दो टाइम का खाना और शरीर में पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो आप गरीब हैं बट देन आप देखोगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री राइट्स और फ्रीडम्स की बात करोगे तो वहाँ पे आपको यू नो राइट टू एजुकेशन है राइट टू फ्री स्पीच है राइट टू क्लीन एयर है राइट टू यू नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है अब जब आप ये सब देखोगे तो ये जो राइट्स हैं इसके अंदर ये चीज़ डिफाइन की जाती है कि ये सब होना भी बेसिक नेसेसिटी है लाइफ का ठीक है तो और अब आप अगर पॉलिटिकली बात करोगे तो कई लोगों का मानना है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो नेसेसिटी द फैक्ट दैट यू आर रिप्रेजेंटेड यू आर सेफ इन अ सोसाइटी राइट वो uh, ऐसी सोसाइटी जिसमें क्राइम ना हो ऐसी सोसाइटी जिसमें यू नो लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो वो भी जरूरी है लाइक सोशल सेटिंग जो होती है ना कि आपके पास uh, परिवार हो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग सो वेयर डू यू ड्रॉ दैट लाइन कि ये जो है ये तो चाहिए ही चाहिए उसमें तो आएगा रोटी यू नो हवा पानी रोटी उसके ये उसके बिना तो आप मर जाओगे कपड़ा मकान सेकेंडरी देन कम्स यू नो मे बी सोशल एस्पेक्ट्स बट ऑल ऑफ देम हैव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ है ना आपके पास हो सकता है रोटी कपड़ा मकान हो लेकिन आपके पास कोई हो नहीं परिवार ना हो तो दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ द काइंड ऑफ लाइफ यू लीड एंड सम फॉर सम वन देट वुड बी अ गरीब लाइफ ओके सो दैट्स वाई हम यहाँ जब डिफाइन करते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिकली इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन थोड़ी अधूरी है ठीक है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही बात करते हैं उसके ऊपर बात नहीं करते ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट उसमें ऐड करते हैं दैट्स इट सो एनी सोशल और पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स जो एक इंसान को होती है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए वो जब हम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं पावर्टी का तो उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं यह जानना जरूरी है क्योंकि एक तरीके से ये है और आप ये एजम्शन नहीं रखेंगे तो बेसिकली आपको लगेगा कि इज माइट बी सम स्कोप इसी इसी का जो है इस्तेमाल करके गवर्नमेंट्स पावर्टी लाइन को ऊपर नीचे करती रहती है राइट क्योंकि दे कैन वेरी वेल डिफाइन कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं ना तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स पावर्टी की क्या डेफिनेशन रखी गई है इंडिया में जनरली एक्सेप्ट किया जाता है कि अगर मिनिमम लेवल ऑफ मतलब इंडिया में ये नहीं बोलते हैं कि एक एक लेवल है मिनिमम और इस इस लेवल तक के नीचे हैं आप अगर ये दस चीजें हैं और ये दस चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप गरीब है ऐसा नहीं आ, 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 माना जाता है पूरी दुनिया में ऐसा ही माना जाता है पर इंडिया में रादर वी गो फॉर रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग ठीक है रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग मतलब कि एज लॉन्ग एज इट्स नॉट डायरेक्टली किलिंग यू इट्स नॉट गरीबी अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके कारण आपकी डेथ हो सकती है डायरेक्टली लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लो मौसम बहुत ख़राब है सर्दी में लोग जो जिनकी डेथ हो जाती है बहुत ज़्यादा सर्दी होने से दोज पीपल विल कम अंडर यू नो बीइंग पुअर पीपल हु हैव डू नॉट हैव इनफ फूड दे विल बी कंसिडर पुअर ओके सो एक मिनिमम रीजनेबल लेवल होता है और वो रीजनेबल लेवल बस यही है कि कैन यू लिव इफ कैन यू लिव विद दिस सिर्फ जीने योग्य जिंदा रहने योग्य अगर आपको सामग्री मिल रही है उसे हम रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग कहते हैं पहले प्लानिंग कमीशन जो था ना वो उसके पास अथॉरिटी थी वो एनएसएसओ जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके आ, जो सर्वे थे उसके बेस पे बताती थी कि क्या होती पावर्टी किस किस लेवल को हम पावर्टी बोलेंगे पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से मतलब कि एक इंसान को मिनिमम कितनी कैलरीज uh, की ज़रूरत है या मिनिमम कितना पैसे की ज़रूरत है उस पर हम डिसाइड करते हैं कि गरीबी क्या होती है इस वक्त इन प्रेजेंट जो एन है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस वो जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिसाइड वॉट दे हाउ दे ये डिसाइड करते हैं कि वो गरीबी को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे ठीक है तो दो तीन तरीके होते हैं गरीबी को डिफाइन करने के और मेन जो दो हैं वो है एक तो ऑन कैलोरीज मतलब कि कैलोरी मीन्स खाना राइट सो जितनी बे मिनिमम कैलोरीज की एक इंसान को जरूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए उतनी कैलोरीज आपको मिल रही हैं और दूसरा होता है इनकम ठीक है कि अब ये इनकम जो होती है ना ये डिपेंडेंट ऑन होती है यू नो इकोनॉमी टू इकोनॉमी पर हम एक स्टैंडर्ड डॉलर का यूज़ करते हैं कि एक इंसान अगर इतना कमा रहा है एक फैमिली यूनिट पर डे इतना कमा रही है तो दे विल बी एबल टू मैनेज अब उसमें दे डोंट गो इन टू द इंटिग्रिटीज ऑफ कैलरीज ठीक है फिर वो उसमें नहीं जाते कि हो सकता है कि वो इंसान कमा तो पावर्टी लाइन के ऊपर रहा हो लेकिन फिर भी उसका परिवार बहुत बड़ा है तो सब लोगों को सब कुछ नहीं मिल रहा तो दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट दे डोंट कंसिडर इट तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो दो अलग अलग तरीके हैं पावर्टी को देखने के एक फ्रॉम द पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आई गेटिंग टू स्क्वायर मील्स और नॉट और दूसरा एक इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एक दिन में कितना कमा सकते हो तो कॉजेस क्या है uh, इंडिया में पावर्टी के सबसे पहले तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है पॉपुलेशन में तो पॉपुलेशन हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन कि इंडिया में बहुत गरीबी है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट काम करने वाले लोगों की आ, उनकी जो लेबर है उसकी वैल्यू नहीं है तो कई लोगों के पास काम है नहीं और जिनके पास है उन वो अंडर एम्प्लॉयड है मतलब उनके पास हमेशा काम नहीं है या तो सीजनल है या फिर दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल उनको कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्योंकि ज़्यादातर कंट्री हमेशा फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी और इंडिया की एग्रीकल्चर कि जो करने का तरीका है उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम नहीं ला पाए और इसके कारण फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी और इसके कारण प्रोडक्टिविटी कम होना मतलब क्या है बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर में इनकम बहुत कम है तो वो इनकम जिस तरीके से डिवाइड होती है तो लोगों के पास बहुत कम कम पैसा आता है हैंस दे आर पुअर अर्बन एंड रूरल डिवाइड एक ये जो इशू है कि आ, स्पोरैडिक ग्रोथ बोलते हैं इसको स्पोरैडिक ग्रोथ बेसिकली होता है कि कंट्री जो है वो आगे तो बढ़ रही है लेकिन आपको वो ग्रोथ या वो वो यू नो इंक्रीज इन इनकम आपको गाँव में नहीं दिख रहा शहरों में दिख रहा है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता है कि सो वेन आई गो टू अ वेडिंग और अ फ्रेंड्स वेडिंग वैन आई एम गोइंग टू अ फ्रेंड्स वेडिंग और एनी रिलेटिव आई लिफाफा देते राइट सो आई टेन टू गिव समवेयर बिटवीन इक्कीस सौ टू इक्यावन सौ राइट बट इफ यू गो टू माई बैक होम वेर माई पेरेंट्स लिव देयर इट गोज फ्राम फाइव हंड्रेड एंड वन टू वन थाउजेंड दैट्स देर स्टैंडर्ड बट इफ़ यू गो टू द विज वेर यू नो जहाँ पे हमारे और रिलेटिव रहते हैं दैट्स लाइक प्रॉपर विलेज वहां पर आज भी दस रुपये बीस रुपए दिए जाते हैं सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट फॉर देम दिस इज ह्यूज अमाउंट ठीक है उनका उनका स्टैंडर्ड ऑफ मनी दे गिव टू समन As present as uh, you know lifafa and what we give is very different. It's simply because you will see there's a stark difference in how much they earn and how much we earn in the cities. तो so, ये जो sporadic development है, ये कारण है कि acute गरीबी है इंडिया में, specially rural लेयरिया में. Social inequality हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे social जो है uh, classes हैं, ठीक है caste, class, region. जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं लोग और क्योंकि डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं इसलिए उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है और क्योंकि उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है तो वो पैटर्न हाँ, में गरीब रह जाते हैं कई सारी कम्यूनिटीज़ हेल्थ केयर चैलेंजेस कई सारे क्योंकि यू uh, नो you know, एक बहुत बड़ा पार्ट है हमने इकोनॉमिक्स जब uh, हम एनसीईआरटी बुक सीरीज़ पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि द ओनली वे टू इंक्रीज़ समबडीज़ इनकम एक इंसान की इनकम बढ़ाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं मतलब या दो ही चीज़ें हैं जिससे आप उनको एक अच्छी यू नो अपॉर्चुनिटी दे सकते हो उसमें से पहला है कि आप उनको एजुकेशन दो ट्रेनिंग दो क्योंकि स्किल्ड लेबर को ज़्यादा पैसे मिलते हैं और दूसरा उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करो क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ केयर ऑप्शन नहीं है ठीक है तो यू विल गेट सिक एंड इफ़ यू गेट सिक यू कैंड वर्क तो इट कैन इट एक्चुअली काइंड ऑफ इंक्लूड्स एवरीथिंग कि आपके पास हेल्थ केयर नहीं है तो मतलब अगर इनके मान लो आपके पास इनफ खाने को नहीं है तो आप मल नरिश्ड तो अगर आपको फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड होती है तो आप यू नो यू कैन गो टू द हॉस्पिटल एंड गेट यूर सेल्फ नरिशमेंट मान लो आप गंदा पानी पी के आपको टाइफाइड या कुछ डायरिया हो जाता है तो इफ़ यू हैव गुड हेल्थ केयर सिस्टम ऑफकोर्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज इम्पॉर्टेंट ओके बट इन केस यू डोंट हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इफ़ यू हैव अ बेटर हेल्थ केयर यू कैन स्टिल मैनेज है ना बट देन क्या होता है क्योंकि ये सब तो है ही नहीं ऊपर से हेल्थ केयर सिस्टम भी नहीं है तो हमारे यहाँ की जो आम लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि वो एक बार बीमार होते हैं तो मतलब लोग क्या हैंड टू माउथ जीते हैं आज काम करते हैं आज कमाते हैं आज खाते हैं और अगर वो बीमार हो गए तो देन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो एक कदम से बस फिसल जाते हैं गरीबी में नेचुरल डिज़ास्टर जहाँ होते हैं तो सब चीज़ें ठप पड़ जाती है एक बहुत अच्छी बात है इंडिया में कि क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है अनलाइक नेपाल नेपाल में अगर भूकंप आता है तो इट्स अ स्मॉल कंट्री तो वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होता है दे हैव टू रीबिल्ड द इकोनमी अगेन बट इंडिया में ज़्यादातर अदर देन दिस कोविड पेंडेमिक कोई ऐसा डिज़ास्टर नहीं आया था जिसमें कि पूरे देश की इकोनॉमी रुक गई हो यूजुअली एक एरिया की इकोनॉमी रुकती है और uh, कोशिश यही रहती है सरकार द्वारा कि दूसरे एरिया से पुल इन करके यू you नो know, जल्दी से जल्दी रिकवर करा जाए पर कई सारे देशों में इंक्लूडिंग कई सारे एरियाज़ में आज भी इंडिया में बिकॉज़ वहाँ पर बार बार टाइफून आता है बार बार अर्थक्वेक आते हैं इसलिए वहाँ के लोगों के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है एंड इट कॉजेज़ देम टू हैव यू नो लेस इनकम सोशल सिक्योरिटी नहीं है जैसा मैंने बताया कि अगर क्योंकि आपके पास हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है क्योंकि आपके पास यू you नो know, uh, कोई एंसेस्ट्रल uh, uh, बोल सकते हो कि इन्हेरीटेंस uh, नहीं है फैमिली इनहेरिटेंस या फिर तो उसके कारण क्या होता है कि आप अगर जिन, किसी कारण से कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है लाइक मान लो एक परिवार है उसमें मम्मी पापा हैं दादा दादी हैं दो बच्चे हैं छः जने हैं और उस पूरे परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक आदमी है तो अगर उस एक आदमी को कुछ हो जाता है तो देन ये पूरा परिवार जो है गरीबी में चला जाता है सो दिस बेसिकली ऑल्सो मीन्स कि उनके पास सोशल सिक्योरिटी किसी प्रकार की नहीं है आपने अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो आपने सुना होगा कि जब कोविड हुआ था तो यूएस में स्टिमुलस चेक भेजे गए थे Uh, और या फिर क्या होता है कि कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आपकी नौकरी छूट जाती है ना तो गवर्नमेंट आपको कुछ समय तक तो मंथली पैसे देती है ताकि आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सको इंडिया में ऐसा कुछ नहीं इंडिया में आपकी नौकरी चलेगी तो आई होप यू हैव फैमिली अदरवाइज सो ये एक प्रॉब्लम होती है उसका डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एसेट डिस्ट्रीब्यूशन हमारी शुरू से भी ये रहा है जमींदारी के कारण ब्रिटिशर्स जो छोड़ के गए थे पहले उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया और उनके बाद वो जो छोड़ के गए थे उस सोसाइटी में भी कुछ लोगों के पास बहुत सारा यू you नो know, पैसा था और बाकी लोगों के पास कुछ पैसा नहीं था और इवन दो कई सारी चीज़ें करी गई गवर्नमेंट uh, द्वारा कि इसको बदला जाए लेकिन आज भी आप देखोगे कि देर आर सम पीपल हु आर वेरी रिच एंड देन मोस्ट ऑफ देम आर नॉट राइट इट्स लाइक वेरी स्क्यूड आधा आधा डिवाइडेड नहीं है इट्स लाइक दिस कि ऐसा होना चाहिए विच इज थोड़े से गरीब लोग हैं बहुत गरीब थोड़े से बहुत अमीर लोग हैं बाकी सब लोग सेंट्रल हैं लेकिन इन रियालिटी वी नो इट्स लाइक दिस ओके और मतलब नॉट लाइक ज़्यादातर लोग गरीब हैं है ना फिर सडनली देर इज ग्रुप ऑफ पीपल हुई सोसाइटीज ऐसी होती है उसमें थोड़े से गरीब लोग होते हैं थोड़े से बहुत अमीर लोग रहते हैं बाकी लोग सेंटर में रहते हैं बट इंडिया में नाइन्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज गरीब ओनली टेन परसेंट हैव ऑल द एक्यूमलेन ऑफ रिसोर्सेज उनके पास सारी यू you नो know, दौलत है द फैक्ट दैट यू एस में बेजोस मस्क एज एग्जिस्ट और इंडिया में अडानी अंबानी एग्जिस्ट दैट्स वॉट इट इज़ कि उनके पास अतः इनकम है और वहाँ दूसरे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसा भी नहीं है अब चार टाइप्स ऑफ पावर्टी बात करेंगे कि हर तरीके की गरीबी एक जैसी नहीं होती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई अर्न वेल आई डू वेरी वेल फॉर माई सेल्फ आई हैव अदर मेम्बर्स इन माई फैमिली हु ऑल्सो अर्न इन केस आई लूज़ माई जॉब फॉर वट एवर रीजन आई नो दैट मुझे सपोर्ट मिलेगा ठीक है तो मेरे पास सोशल सिक्योरिटी उस तरीके की है लेकिन अगर आप मुझे अंबानी से कंपेयर करोगे तो तो मैं गरीब ही लगूंगी ना राइट और वहीं आप अगर कोई ऐसा इंसान है कोई बच्चा है जो रोड पर भीख मांग रहे हैं उसको और मुझे कंपेयर करोगे तो तो वो तो गरीब ही लगेगा ना तो ऐसे क्या होता है ना हर इंसान तो गरीबी की टाइप्स होते हैं कि और डिपेंड करता है वो बंदा कैसे गरीब हुआ इस वक्त कैसे फंक्शन कर रहा है और उसकी सोशल सेटिंग क्या है इन तीनों के बेस पर चार अलग अलग तरीके की पॉवर्टी होती है पहली है एप्सोल्यूट पावर्टी एप्सोल्यूट पावर्टी का मतलब होता है कि उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है रोटी नहीं है खाने के लिए कपड़ा नहीं है आ, हेल्थ केयर नहीं है और कोई स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग नहीं है दूसरी है सिचुएशनल पॉवर्टी सिचुएशनल पॉवर्टी ये कि वैसे तो सब ठीक चल रहा था पर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण सडनली यू you नो know, गरीबी आ गई फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ जॉब या नेचुरल डिज़ास्टर ठीक है सब कुछ बढ़िया चल रहा था भूकंप आ गया आपकी दुकान घर गिर गया अब आप गरीब हो गए वो वाली बात जनरेशनल पावर्टी जनरेशनल पावर्टी इज बेसिकली कि आपके परदादा गरीब थे उसके कारण आपके दादा गरीब थे उसके कारण आपके यू you नो know, पापा गरीब थे उसके कारण आप गरीब हो और उसके कारण आप आपके बच्चे गरीब होंगे ठीक है बेसिकली क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को वो रिसोर्सेज नहीं दे पाते हो कि वो आगे ज़िंदगी में कुछ कर सके एंड दिस इज़ अ साइकिल ठीक है और इस साइकिल में फंसी हुई जो पूरी कम्युनिटी है वो उन्हें हम जनरेशनल पावर्टी बोलते हैं कि वो जनरेशनों से उनके पास कभी पैसा आया नहीं और वो उस लूप में फंसे रह गए और नेक्स्ट इज़ रिलेटिव पावर्टी जिसकी मैं बात करती कि आप इंडिपेंडेंटली मुझे देखोगे तो यू विल सी या मैम इज़ वेल ऑफ बट इफ़ यू कंपेयर मी विथ फ्रॉम ले से अंबानी अडानी देन यू विल फिगर आउट द टाइम नॉट दैट रिच राइट सो रिलेटिव पॉवर्टी इज बेसिकली किसी ऐसी इंडिविजुअल uh, या फैमिली जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम दूसरों से या कम्यूनिटी से कंपेयर करें तो बहुत कम है ठीक है मतलब कंपेरिजन में बहुत गरीब है पावर्टी लाइन पावर्टी लाइन बेसिकली क्या है कि अब आपको पता है कि आपके पास फिक्स्ड जो है uh, एक पॉपुलेशन है इंडिया की एक फिक्स पॉपुलेशन है सेवन बिलियन पीपल राइट नाउ हाउ विल यू डिफाइन कि इसमें से कितने लोग गरीब हैं तो उसके लिए एक जो मेजर होता है उसे बोलते हैं पावर्टी लाइन विच इज़ बेसिकली कि लोगों एक ला, एक लाइन खींच दी है और लोगों को उस पर प्लॉट किया है ठीक है और इस रेखा के ऊपर जो है और ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी है उनके पास खाने को है उनके पास साफ़ पानी है हेल्थ केयर है ट्रांसपोर्ट है ये सब बेसिस पे डिसाइड किया जाता है और कि वो उनके पास ये सब एम्यूनिटीज़ हैं तो वो पावर्टी लाइन के नीचे हैं अगर उनके पास एम्यूनिटीज नहीं है तो वो पावर्टी लाइन के नीचे है और ये है पूरी पॉपुलेशन तो इसके हिसाब से फिर पता चलता है कि पॉपुलेशन का कितना हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा के नीचे चल रहा है सो देट दैट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड दिस लाइन ओके यू हैव टू डिफाइन एक लाइन की इतना अमाउंट ऑफ पैसा अगर किसी के पास है पर डे तो उसे हम यू you नो know, अमीर बोलेंगे या उसे हम बोलेंगे कि गरीब है तो उसे पावर्टी लाइन बोला जाता है इट्स अ कॉन्सेप्ट जो रिप्रेजेंट करता है कि इनकम के बेसिस पर कितनी मिनिमम इनकम होनी चाहिए एक इंसान की ताकि आप वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सके ये जो है पर कैपिटा कैलोरी इनटेक और पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो तरीके से अचीव की जाती है दो तरीके से एक्सप्रेस की जाती है कैलोरी इनटेक मतलब कि एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए कितनी कैलोरीज मिनिमम खाने की ज़रूरत है और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मतलब कि एक इंसान जो कि एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहा है मान लो दिल्ली या कोई गाँव ले लो या फिर अमेरिका में न्यूयॉर्क ले लो हर जगह के हिसाब से ये बदल जाती है कि जिस शहर में और जिस जगह पे वो रह रहा है जिस देश में वो रह रहा है उसके हिसाब से मिनिमम उसको कितने पैसे चाहिए कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सके अपना बेसिक कंजम्पशन के लिए उसके पास एक्सपेंडिचर के लिए पैसा हो तो ये दो तरीके होते हैं पावर्टी लाइन डिफाइन करने के थ्रेश जो होता है दोनों का जो कि क्या है ये पावर्टी लाइन ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होता है इवन देश में के अंदर भी अलग अलग यू uh, नो you know, सिटीज़ में अलग अलग होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेयर करो दिल्ली कोलकाता बैंगलोर और मुंबई तो सबसे ज़्यादा महंगा रहना आप बोल सकते हो कि बैंगलोर या मुंबई फर्स्ट एंड देन सेकंड बैंगलोर कम्पेयर टू दिल्ली और कोलकाता फॉर दैट मैटर राइट सो इवन विद इन विद इन आर कंट्री अगर हम अपनी चार बड़ी मेट्रो सिटीज़ को ले लें विच बाई द वे बैंगलोर इज़ नॉट अ मेट्रो सिटी फॉर टैक्स पर्पज विच इज़ सो अगर हम अपनी चार बड़ी सिटीज़ ले लें कंट्री की तभी भी आपको रियलाइज होगा कि उन चारों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग है ठीक है मतलब अलग अलग पॉवर्टी लाइन है वहां पे क्योंकि द पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो अलग था क्योंकि कहीं पे आ, किस रीजन में कोई चीज बहुत ज्यादा कम है किसी रीजन में कोई चीज बहुत ज्यादा आसानी से अवेलेबल है तो उसके हिसाब से वहां पर कितना कंजम्शन के लिए कितना पैसा चाहिए बेसिक नीड्स के लिए वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक करंट इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज सेटेड टू पॉइंट पर कैपिटा ठीक है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मतलब सारी कंट्रीज को मिला दे तो ये उन्होंने एक अमाउंट uh, दिया है कि अगर एक बंदा पर डे ठीक है 2.15 डॉलर्स कमा रहा है तो इंडिया के हिसाब से अगर आप 80 पकड़ लो तो 160 और 175 ठीक है 170 और 180 के बीच में अगर वो कमा रहा है पर डे तो वो पावर्टी लाइन पे है उससे कम कमा रहा है तो पावर्टी लाइन के नीचे उससे ज़्यादा कमा रहा है तो पावर्टी लाइन के ऊपर है तो और ये है 2011 के प्राइसेस से बेस्ड है हमने पहले पढ़ा था कि ये जो डिफिनेशंस होती है ना ये डिसाइड की जाती है किसी एक ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक ईयर के सेंसेस के हिसाब से क्योंकि हर साल सेंसेस सारे नहीं होते हैं इंडिया में हर दस साल में होते हैं हर पाँच साल में होते हैं डिपेंडिंग ऑन कहाँ और किस चीज़ के और है तो ये जो डाटा है ये 2.15 ये 2011 के सेंसेस के प्राइसेस के ऊपर बेस्ड है अब ये जो है ये डिफेंड करता है कि एक एवरेज आ, ये डिसाइड कैसे हुआ कि कैसे हाउ डिड दे कम टू दिस 2.15 पॉइंट वन फाइव डॉलर बेसिकली उन्होंने क्या किया कि पांच सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड में सबसे गरीब कंट्रीज उनकी पर कैपिटल इनकम को का एवरेज निकाल लिया ठीक है और नेशनल पॉवर्टी लाइन सॉरी नॉट पर कैपिटल इनकम उनकी जो उनकी खुद की जो पावर्टी लाइन है उसका एवरेज निकाल लिया ये सबसे गरीब कंट्रीज हैं और इनमें जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हाँ ये इतना मिनिमम अकाउंट है अमाउंट है ये अगर नहीं मिल रहा है लोगों को तो ये गरीब है इन सारे अमाउंट को लिया और उसका मीन एवरेज दिखा दिया दैट्स हाउ दे केम टू दिस एनी वन लिविंग इन लेस देन दिस विल बी क्लासिफाइड एज एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम पावर्टी ठीक है अगर कोई टू डॉलर पर डे से कम कमा रहा है तो उसे एक्सट्रीम पावर्टी में रहने वाला इंसान कहा जाएगा हेडकाउंट रेशो या पावर्टी इंसिडेंट रेशो बेसिकली क्या है जो हमने डाटा निकाला अभी कि कितने लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं उस डाटा को लेकर हम उसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करें कि टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज लोग गरीबी रेखा के नीचे है तो उसे हम हेडकाउंट रेशो बोलते हैं कैसे कैसे कैलकुलेट uh, किया जाता है कितने लोग हैं जो कितने हाउस हैं जो पीपल और हाउस होल्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको डिवाइड किया टोटल पॉपुलेशन से इंटू किया हंड्रेड सो इट गिव यू परसेंटेज सो वर्ल्ड बैंक ने जब डाटा निकाला था मतलब जब सर्वे किया था कि इंडिया का एच सी आर जो है अब जब लेटर टू ट्वेंटी ट्वेंटी जब उन्होंने फिर से यह डाटा कलेक्ट किया तो सिक्सटीन पॉइंट फोर मतलब क्या है इसका नाइनटीन में 61% परसेंट जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो अंडर पॉवर्टी लाइन थी और 2021 में 16.4 जो है पॉवर्टी लाइन के अंदर है द रिडक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू फैक्टर्स सच एज क्यों हुआ है ये रिडक्शन किसके किस चीज़ से हम कर, बोलते हैं कि इसके कारण हमारे देश में पॉवर्टी कम हुई है पहला है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन क्योंकि आपने देखा होगा जब हम कॉजे की बात कर रहे थे कि वॉट कॉजिज़ पावर्टी तो उसमें हमने कहा था कि रूरल uh, और अर्बन में बहुत बड़ा डिवाइड है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं है तो जब रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ ना तो इट्स सॉल्व अ लॉट ऑफ दैट प्रॉब्लम कि वहाँ पे लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी थी तो वो दूसरी चीज़ें भी कर सकते थे uh, दूसरे ऑक्यूपेशन भी कर सकते थे साथ में प्लस कम्युनिकेशन uh, आ गया उनके पास प्लस क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो अब उनके पास बोरवेल है तो क्या बोलते हैं कि उनका डिपेंडेंस जो है मॉनसून पे कम हो गया दे वर एबल टू यू नो एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ गया और एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंस थी रूरल एरिया में वो भी कम हो गई उसके बाद सेकेंड इज इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन गर्ल्स एजुकेशन ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ना सोशली कास्केडिंग इफेक्ट हुआ है हम बोलते हैं ना कि यू टीच अ गर्ल यू टीच अ फैमिली राइट तो द आइडिया इज दैट क्योंकि हमारी फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो वुमेन है राइट right? तो अगर क्योंकि हमारा सोशल सेटिंग ऐसी थी पहले कि फीमेल्स वर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दे वर मैरिड ऑफ वेरी अर्ली दे वर नॉट यू नो बिकॉज दे वर सीन एज अ कमोडिटी तो लोग उनको पढ़ाते नहीं थे क्योंकि उनको पता है इसको तो शादी करके दूसरे घर जाना है राइट सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन वैन दे रीच सो दे वर फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर अनस्किल्ड क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे चलो ठीक है पढ़ा पढ़े लिखे बिना भी लोग यू नो स्किल हो सकते हैं बट देन वीमेन वर लार्जली केप्ट इनसाइड द हाउस एंड एक्सपेक्टेड टू डू हाउस होल्ड वर्क तो उस कारण से फिफ्टी परसेंट ऑफ द जो पॉपुलेशन है उसमें कई टैलेंटेड लाइक देखो टैलेंट जो होता है वो जेंडर नहीं देखता है ना तो so, कई सारी ऐसी फीमेल्स जो बहुत कुछ अच्छा कर सकती थी यू नो दे देख बिकम साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस टीचर्स एंड ऑल ऑफ दैट बट दे वर नॉट एबल टू कम आउट बिकॉज दे वर नॉट गिवन द चांस टू बी बिकम प्रोफेशनल इन एनीथिंग वेन इंडिया वर्कड ऑन इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा यू नो इनिशिएटिव लिए कि गर्ल एजुकेशन वीमेन एजुकेशन के तरफ एंड देन वी हैव अभी भी रेशो देखो सोशल इशूज तो अभी भी हैं लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हो कि अगर अगर कोई फीमेल है अ, लड़की है जिसका जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो देर इज स्टिल एक ऑप्शन है फॉर देट पर्सन टू यू नो एक्चुअली एबल टू अचीव समथिंग दैट अदरवाइज आज से 40-50 साल पहले वो नहीं कर पाती एंड बिकॉज मोर वुमेन आर एजुकेटेड सो दे दे देसो पुट मोर एफर्ट इन मेकिंग श्योर कि उनके बच्चे एजुकेटेड है एंड इंक्रीज इन जनरल एजुकेशन मीन्स इंक्रीज इन स्किल ओके एंड हेंस इंक्रीज इन डिक्रीज इन पावर्टी अब पावर्टी गैप रेशो क्या होता है जैसे हम हमने बोला कि यू नो एक लाइन हमने खींच दी राइट पॉपुलेशन पे ये ये है 2.15 डॉलर ठीक है अब यहां पर मान लो है अपना आपका ये समबड़ी अर्निंग यू नो टेन थाउजेंड डॉलर एंड देन यहां पे है कोई इंसान जो अर्निंग जीरो डॉलर ठीक है अब यस यू आर कॉलिंग कि जो भी लोग इस एरिया इस यू नो लाइन पर यहां पर एग्जिस्ट करते हैं दे आर ऑल अंडर द पावर्टी लाइन बट क्या अ पर्सन अर्निंग से मे बी यू नो थ्री डॉलर सो मच बेटर ऑफ देन अ पर्सन हु इज अर्निंग से टू डॉलर ठीक है okay. ज्यादा इतना एक तो आपने लाइन तो खींच दी पर इसका इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप इस नहीं बोल सकते ना कि आप कंपेयर नहीं कर सकते इस तीन डॉलर इंसान कमाने वाले को और दस हजार डॉलर कमाने वाले को या ये तीन या ये दो डॉलर कमाने वाले को और जीरो डॉलर कमाने वाले को इनको कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है तो एक जब आप लीनियर डाटा प्रेजेंट करते हैं तो वो आपको एग्जैक्टली नहीं बताता है कि कितनी Uh, कितनी ज्यादा गरीबी है राइट क्योंकि हो सकता है कि आपने ये लाइन खींच दी ज्यादातर गरीब लोग यहां हो या फिर ऐसा हो कि कोई कंट्री हो सकती है जिसमें जीरो मतलब जो गरीब लोग हैं वो बस यहीं पर एग्जिस्ट करते हो बहुत एकदम गरीब नहीं है बट हां कुछ लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो ये डाटा ये कैसे पता चलेगा कि किस टाइप की पॉवर्टी है या किस हद तक पॉवर्टी है उसके लिए एक दूसरा मेजर है जिसे हम बोलते हैं पॉवर्टी गैप रेशियो ये क्या है मेजर करता है कि इंटेंसिटी कितनी है पावर्टी गरीबी कितनी हद तक है ये बता करते हैं पावर्टी गैप रेशियो मेजर इज यूज टू असेस द डेप्थ ऑफ पावर्टी बाय क्वांटिफाइंग द एवरेज इनकम शॉर्टफॉल ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड बिलो द पावर्टी लाइन क्या कर रहे हैं वो वो बेसिकली जो बिलो द पावर्टी लाइन लोग हैं उनकी एवरेज इनकम निकालते हैं और उसको टू पॉइंट फाइव विच इज द बी पी एल लाइन उससे डिवाइड करते हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बीपीएल में है बिलो पॉवर्टी लाइन है उनकी इनकम ऑन एन एवरेज बीपीएल से कितनी नीचे है क्योंकि जितनी एवरेज नीचे होगा उसका मतलब है कि उतने ही ज्यादा लोग गरीब है फॉर एग्जाम्पल लेट्स ठीक है लेट्स टेक दिस एज टू पॉइंट वन फाइव डॉलर है ना मान लो ये बीपीएल लाइन है आपकी ये एक्स कंट्री है ये वाई कंट्री है ठीक है दो कंट्रीज है कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं अब जितने भी लोग पॉपुलेशन है कंट्री एक्स में उनकी एवरेज इनकम उनके जितने भी लोग जितनी भी फैमिलीज थी उनकी एवरेज इनकम ली हमने ऐड करी और उसको डिवाइड किया जितनी भी टोटल बीपीएल पॉपुलेशन है ठीक है तो ये हमको एक अमाउंट देगा राइट right? अगर ज्यादा लोग लोअर लेवल पे होंगे तो ये एवरेज थोड़ा नीचे की तरफ आएगा जितना लोअर होगा उतना नीचे तो मान लो एक्स कंट्री का एवरेज आ रहा है वन डॉलर ठीक है तो इसका ये मतलब है कि एवरेज <coughs> जो हाउस uh, होल्ड है या पर्सन है बिलो पॉवर्टी लाइन इन इन कंट्री एक्स वो एवरेज वन रुपीस कमा रहा है तो इसको हम तो है 2.1 में से माइनस करेंगे दैट मींस 2.15 1 व्हिच विल गिव अस 1. 1.15 ठीक है अब ये हमें क्या बता रहा है बेसिकली कि एक एवरेज गरीब घर की इनकम बीपीएल के 1.15 नीचे है ठीक है वहीं दूसरी कंट्री देख लो मान लो ये कंट्री थोड़ी ज्यादा डेवलप्ड ठीक है तो उनकी बीपीएल जो है जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो यहाँ एग्जिस्ट करती है ठीक है तो मान लो उनकी उनकी सारी जो जितनी भी पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका हमने एवरेज इनकम ली और उसको डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन से तो हमें मिला टू पॉइंट वन ठीक है कि एवरेज इनकम है टू पॉइंट वन तो यहां पे आ रहा है उनका एवरेज कहीं पे तो अब आप क्या करोगे ये gap पता करने के लिए में से में कर दोगे तो ठीक दो दो तो है अब ये बेसिकली आपको क्या बोल रहा है कि दिस आम जनता जो इस पॉपुलेशन में इस यू नो बीपीएल में एग्जिस्ट करती है उनकी इनकम एवरेज इनकम बीपीएल से सिर्फ पॉइंट जीरो फाइव नीचे है ओके okay, तो जितनी ज्यादा ये गैप होगी ये नंबर जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका मतलब है गरीबी उतनी ज्यादा इंटेंस है उसका मतलब है उतने ही ज्यादा लोग गरीबी रेखा के से और नीचे हैं है ना तो इसे हम बोलते हैं पावर्टी गैप रेशो सिंपली पुट पॉर्टी गैप इज द अमाउंट बाय विच द एवरेज मंथली कंजम्पन एक्सपेंडिचर बिलो पॉर्टी लाइन हाउस होल्ड फॉल्स शॉर्ट ऑफ द पावर्टी लाइन ठीक है कि एवरेज जो इनकम है वो कितना नीचे है पॉवर्टी लाइन के सो पावर्टी गैप रेशियो इज इक्वल टू पावर्टी लाइन विच इज टू पॉइंट वन फाइव डॉलर माइनस वॉट एवर इज द एवरेज मंथली यू नो एक्सपेंडिचर ऑफ अ बीपीएल हाउस होल्ड ऑर अ पर्सन यूजिंग दिस अप्रोच द गवर्नमेंट कैन कैलकुलेट पर कैपिटल ट्रांसफर नीडेड टू इराडिकेट पावर्टी तो बेसिकली ये ये जो रेशो है इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट कैसे करती है अगर आपको पता आपने एक ये तो डिसीजन ले लिया कि हाँ भैया मुझे पता है ये इतने लोग हैं एक्स नंबर ऑफ लोग हैं जो बी पी एल के नीचे हैं सिक्सटीन परसेंट इन केस ऑफ इंडिया और इनकी ये इन, इसका ये मतलब है कि इन सबकी इनकम जो है पर डे टू पॉइंट फाइव वन फाइव डॉलर से नीचे है लेकिन कितना पैसा इन लोगों को देना है सो so दैट ये उस लाइन के ऊपर आ जाए ये कैसे पता चलेगा ये तो तभी पता चलेगा जब यू you नो know, कितनी इंटेंसिटी है राइट right? क्योंकि अगर आपका मान लो अगर आपकी कंट्री का ये जो गैप है ये जीरो पॉइंट जीरो फाइव है तो देन दैट मीन्स यू नीड वेरी लेस मनी टू कवर द गैप बट वही इफ इट्स टू पॉइंट वन देन टू पॉइंट जीरो फाइव दैट मीन्स इट नीड्स यू नीड अलॉट मोर मनी है ना तो ये जो रेशो है ये गवर्नमेंट को बताता है कि कितना टारगेटेड कैश ट्रांसफर करने की जरूरत है इन लोगों को ताकि जो हाउस होल्ड है एवरेज हाउस होल्ड वो बीपीएल लाइन तक आ जाए ओके द ग्रेटर द पॉवर्टी गैप जितना ज्यादा पावर्टी गैप बड़ा होगा उतना ही ज्यादा जो है गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा बीपीएल हाउस होल्ड को सो so दैट कि वो उन्हें पावर्टी लाइन से ऊपर ला सके अब बात करते हैं स्क्वाय पावर्टी गैप इंडेक्स की सिंपल सी बात है जो लोग पावर्टी लाइन अगर आप ये लेते हैं ये है 2.15 डॉलर ठीक है कुछ लोग पावर्टी लाइन के जस्ट नीचे होंगे दे अर्निंग कुछ लोग यहां होंगे बी अर्निंग जीरो पे वन डॉलर राइट अब बेसिकली क्या है ना प्रॉब्लम विद इज एक ये तो वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है न्यूमेरिकली इस तरीके को कंसिडर करने की लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि जो लोग बहुत नीचे हैं इस पावर्टी लाइन में वो ज्यादा इंटेंस है उनकी सिचुएशन टू पीपल जो जस्ट पावर्टी लाइन के नीचे लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे उनमें से किसकी सिचुएशन सबसे ज्यादा डायर है वो लोग क्या करते हैं इस गैप रेशो का स्क्वायर कर देते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल मान लो वन का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा वन ही मिलेगा टू का स्क्वायर करोगे तो फोर मिलेगा तो so, अब अगर ये बंदा टू डॉलर कमा रहा है उसका आपने स्क्वायर कर दिया तो आपको फोर डॉलर मिला तो नाउ दिस फोर डॉलर टेक्निकली गोज अब पॉइंट राइट सो देन इन दैट वे दे कैन से कि ये इंसान जो है वो थोड़ा फिर भी लाइक like करीब है टू दिस देन दिस पर्सन विच इज वन तो वट डे डू इज दे इस गैप का स्क्वायर करके दे ट्राई टू फाइंड आउट ताकि वो जो एक्सट्रीमली पुअर है उनके ऊपर ज्यादा यू you नो know, वेटेज आ सके टू दो जस्ट स्लाइटली बिलो द पॉवर्टी लाइन ये इंडेक्स जो है ना ये एडवांटेजेस है उन लोगों के लिए जिनको बहु, जो बहुत, गरीबी रेखा के बहुत, नीचे और बहुत की जरूरत है इंस्टेंटली बिकॉज देखो जितना ज्यादा आप नीचे हो उसका मतलब है उतनी ही कम आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स मिल रही है राइट right? सो so, एक इंसान जो हो सकता है दिस इज अगेन वेरी डिफिकल्ट टू काउंट लाइक दिस पर मान लो कि कोई इंसान है वो दो डॉलर अगर कमा रहा है तो so एटलीस्ट वो खुद का खुद के परिवार का पेट भर सकता है लेकिन जो अगर जीरो पॉइंट फाइव डॉलर कमा रहा है तो हो सकता है वो तो यू <clears> नो <throat> you know, उसको तो पेट भर के खाना भी नहीं मिल रहा हो तो अगर हेल्प करना है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के पास हेल्प करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो गवर्नमेंट किसको पहले हेल्प करेगी इट ऑब्वियसली गो फॉर दिस तो ये पता लगाने के लिए वॉट द यूज दे स्क्वायर द गैप अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल प्रॉवर्टी की अभी तक जो हमने पढ़ा यू नो ये गरीबी रेखा ये टू पॉइंट वन फाइव डॉलर वन uh, डॉलर ये ना इंटेंसिटी गरीबी की दिखाते हैं पर गरीबी इज़ नॉट वन डायमेंशनल ठीक है ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर पैसे हैं आपके पास यू नो जेब में हज़ार रुपये हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी राइट अगर मान लो गरीबी रेखा हजार है तो अगर आपके पास हज़ार और एक रुपया है तो उसका मतलब नहीं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है राइट क्योंकि हो गरीब होना मतलब उसके मल्टीपल इम्प्लीकेशंस uh, होते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा वॉट हेल्थ ओवर वर्क राइट तो हो सकता है कि आपको तबीयत ख़राब हो जाए लेकिन आप काम नहीं छोड़ सकते तो वो जो जो ठीक होने वाली थी वो भी और ख़राब हो जाए हो सकता है यू हैव टू प्रायोरिटाइज़ फूड ओवर योर चिल्ड्रन स्कूलिंग तो आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हो राइट right? हो सकता है कि अब यू हैव टू मेक अ चॉइस ना बिकॉज दीज आर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड उनके पास बहुत बेसिक मिनिमम पैसा है जस्ट टू फीड डेंसेस तो जो दूसरी चीज़ें होती है ना वो उसके बीच में उनको चॉइस करना पड़ता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यू नो जब आपको जो जो है एक तरीके से मॉनिटरी पॉलिसी बनानी है तो उसमें अगर आप सिर्फ फोकस मतलब एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से गैस करने के लिए गैस भी नहीं अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल टर्म में बी पी एल इज अ गुड वे ठीक है अच्छा तरीका है ये समझने का कि भाई इजीली समझ में आ रहा है देखो 1971 में 60 परसेंट नीचे थे आ, 2021 में 16 परसेंट यह समझ में आ रहा है लेकिन जो सिचुएशन है वो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसीलिए जब आप पॉलिसीज बना रहे हो तो आप सिर्फ इसके बेसिस पे पॉलिसी नहीं बना सकते उसके लिए आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स चाहिए जो कि और दूसरी चीजों के ऊपर भी फोकस करता है अदर देन जस्ट मनी ओके इट इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट कंसिडरिंग पावर्टी बियॉन्ड जस्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स तो इकोनॉमिक फैक्टर्स से दूर जाकर कितना एक बंदा एक दिन में कमा रहा है उससे थोड़ा दूर जाकर दूसरे आस्पेक्ट को देखता है कि उसमें हाउ मच यू नो दे आर डूइंग वेल फॉर एग्जाम्पल हेल्थ लैक ऑफ एजुकेशन इनसफिशेंट लिविंग स्टैंडर्ड है ना तो आ, इसमें डिप्रीवेशन जो है वो इवेल्युएट की जाते हैं बहुत हाउस होल्ड लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर ठीक है एम जो है ना वो एक्यूट पावर्टी को कंसिडर करता है ओवरलैपिंग विद डेप्रीवेशन ठीक है एक्यूट पावर्टी तो है एक्यूट पावर्टी हम जज कर रहे हैं नंबर से ठीक है बट उसके बाद ना ओपर ओवरलैपिंग डिप्रीवेशन होते हैं गरीबी के साथ में और भी चीज़ें आती है जो जिंदगी को ख़राब बनाती है उनका मेजर जो है इसमें नहीं है इसके लिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये एम इंट्रोड्यूस किया था 2010 में इसके अंदर जो है <coughs> 10 इंडिकेटर्स होते हैं तीन डायमेंशन होते हैं और दस इंडिकेटर्स होते हैं जो मेजर करते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी इनकम के बेसिस के अलावा कैसे यू नो मेजर की जा सकती है फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन है पहला है हेल्थ दूसरा है एजुकेशन तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड ठीक है आपके यहां पे आ जाता है एवरीथिंग रिलेटेड टू योर बॉडी एवरीथिंग रिलेटेड टू वेदर नॉट जस्ट वेदर यू आर एबल टू गेट मेडिकल हेल्प कि आपके पास यू you नो know, दवाई लेने के लिए यू नो फ्री हेल्थ केयर है या नहीं बट ऑल्सो चाइल्ड मोर्टेलिटी न्यूट्रिशन एंड जनरली कि हाउ प्रोन आर यू टू डिजीजेस एजुकेशन अगेन कम्स टू बींग स्किल्ड और नॉट क्योंकि अब अगर इंसान को बहुत लिमिटेड पैसा है तो वो क्या करेगा फूड के बदले अगर उसको चूज करना है कि खाना या फिर ये चीजों तो दे ऑलवेज प्रायोरिटाइज फूड राइट बट देन अगर आपके पास सफिशियंट फूड भी है पर लेकिन आपके पास ये नहीं है ना तो ये आपको कभी भी गरीबी रेखा से ऊपर आने में पॉसिबल नहीं है ठीक है सिर्फ पैसा एक पॉइंट पे मिलने से गरीबी दूर नहीं हो जाती गरीबी जो है वो जनरेशनल है, समय के साथ में आ, और कठिन होती जाती है ठीक है तो इसलिए ये तीन मेजर्स हैं। हेल्थ में है दो चाइल्ड मोर्टेलिटी जिसमें कि बच्चों का न्यूट्रिशन आ, पैदा होने के बाद कितने टाइम तक यू you नो know, उनकी लाइफ कितनी है व्हेन दे आर बॉर्न तब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है उनको वेदर उनको ठीक से खाना न्यूट्रिशन जो चाहिए स्पेशली बड़े होते टाइम जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें कई सारी चीज़ों की जरूरत होती है ताकि वो प्रॉपरली बड़े हो सके और अगर नहीं होता है तो फ्यूचर में फिर उनका जो बोलते हैं ना एबिलिटीज कम होती है उनका ग्रोथ रुक जाती है वो उतने अपने पीक परफॉर्मेंस में नहीं पहुँच पाते क्योंकि उन्हें बचपन में ठीक से खाना नहीं मिला ओके फिर उसके बाद एजुकेशन में है कि कितने साल तक स्कूल गए और कितना स्कूल अटेंड कराएँ ठीक है अब एजुके जो एजुकेशन है उसमें बेसिकली स्किल का एस्पेक्ट होता है लेकिन अभी हम यहाँ काउंट उसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि द रीज़न बीइंग कि हमारे यहाँ आज तक अभी तक फॉर एग्जांपल कोई बिना एजुकेशन सिस्टम के स्किल का वैल्यू um, नहीं है एस्टिमेट किया जा सकता लाइक आप नहीं बता सकते द ओनली वे यू कैन नो वेदर अ पर्सन इज स्किल्ड और नॉट इज वेदर दे school ठीक है अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी स्कूल नहीं गया हो पर उसके अंदर फिर स्किल हो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है तो वो यूजली कंसिडर नहीं किया जाता है तो बट हमें पता है कि एक रिलेशनशिप है इस बात में कि अगर बच्चे ज्यादा स्कूल गए हैं और ज्यादा क्लास पढ़े हैं तो उनके अंदर ज्यादा कैपेबलिटी होती है नई स्किल डेवलप करने की तो उस उसके ऊपर बेस्ड हम ये यू you नो know, ये दो पैरामीटर्स यूज करते हैं तीसरा है, है लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड इज कौन सा कुकिंग फ्यूल यूज़ कर रहे थे। हैं सैनिटेशन डू दे हैव वॉशरूम डू दे हैव यू नो अदर सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल द वुमेन इज ऑन पीरियड एंड अदर थिंग्स ड्रिंकिंग वाटर साफ है क्या उनके घर में बिजली है क्या उनके पास घर है क्या उनके पास कोई एसेट्स है ठीक है क्योंकि एसेट्स के लिए स्पेसिफिकली क्यों यहाँ पे ऐड किया गया है क्योंकि आपको पता है कि देखो कभी भी किसी भी इंसान को कुछ भी हो सकता है और अगर वो एकदम सिंगुलर इनकम पे डिपेंडेंट है और किसी कारण से उसकी नौकरी चली जाती है कुछ भी हो सकता है ना एक्सीडेंट हो सकता है कोई डिजास्टर हो सकता है तो अगर उनके असेट होने का क्या मतलब है कि एक ऐसा सम ऑफ मनी हो चाहे वो लिक्विड हो कैश में हो या फिर गोल्ड में हो या फिर यू नो लैंड में हो बट ऐसा रिसोर्स होना इनहेरिटेंस और अदरवाइज जो इस्तेमाल किया जा सके इन बैड टाइम्स क्योंकि यही तो प्रॉब्लम होती है ना ज्यादातर लोग तो ठीक है कमा लेते हैं लेकिन जब वो उनको एक वो डम्प आता है जैसे कोविड हो गया कोविड में कई सारे लोग हैं जो हैंड टू माउथ काम कर रहे थे दे वर नॉट एबल टू रिकवर फ्रॉम इट दे वेंट इन टू एक्सट्रीम पावर्टी आफ्टर दैट सो एसेट इसलिए यहां पर काउंट किया जाता है क्योंकि एसेट जो आपको सिक्योरिटी देता है इस बात की कि अगर किसी कारण से आपको अपनी इनकम आपकी रुक जाती है किसी भी एक्स नंबर ऑफ कारण से तो आप फिर भी अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते हो अगर आपके पास थोड़े बहुत यू you नो know, और फिर आप यू नो वेट करके दूसरा जॉब ढूंढ सकते हो जब तक या दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हो इन्हीं इंडिकेटर्स का हम अगर वेटेज देखें तो कितना दिया हुआ है क्वालिटी एजुकेशन में दो एस्पेक्ट है और स्कूलिंग अटेंडेंस तो दोनों को 1 /6, 1 /6 दिया है अब हम इसको ना परसेंटेज में समझने की कोशिश करेंगे ज्यादा आसान रहेगा राइट टोटल इज ऑलवेज गोइंग टू बी हंड्रेड है ना हंड्रेड परसेंट तो परसेंटेज दिया है 1 /6, 1 /6, 1 /6, मतलब कि अराउंड है ना और सेम गो फॉर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी फिर वन सॉरी दिस इज नॉट वन एट दिस इज वन बायीन ओके सो वन बाय एटीन दिया हुआ है ये छह इंडिकेटर्स को ठीक है सो दैट वुड कम अराउंड फॉर ईच ऑफ दीज इंडिकेटर्स वुड कम अराउंड फाइव पॉइंट फाइव फाइव ओके एंड दैट वुड बी इन टू फाइव है ना फॉर इच वन अब ये जो उसका टोटल लगाओगे आप टोटल गिव यू हंड्रेड परसेंट तो दिस इज बेसिकली वॉट देर आइडिया इज इतना उन्होंने मतलब महत्व दिया है कि भाई एजुकेशन को सिक्सटीन परसेंट महत्व दिया है वहीं सेनिटेशन कुकिंग फ्यूल को फाइव पॉइंट फाइव परसेंट ईच दिया है एक तरीके से दिस हैज़ बीन कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ क्या कितना ज्यादा जरूरी है या उसका कितना असर पड़ता है लॉन्ग टर्म पॉवर्टी के ऊपर ठीक है कि अभी खाने की बात नहीं कर रहे हैं हम इसकी बात कर रहे हैं कि Uh, क्या ये चीजें उन्हें कंटिन्यूसली पॉवर्टी के रूप में लू, लूप में रखेंगी इसलिए उनको ज्यादा वेटेज दिया गया अब इसमें क्या होता है कैसे डिसाइड करते हैं अगर कोई भी इंडिविजुअल या हाउस होल्ड थर्टी तक आता है ठीक है कि उनके पास ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है तो देन दे विल बी लेबल्ड एज डायमेंशनली पुअर है ना तो अब जो 2000 ये जो एम की जो रिपोर्ट होती है ये 2002 में आई थी इसमें दिस इज ग्लोबल ठीक है दिस इज ग्लोबल पूरे दुनिया की निकली थी ठीक है उसमें कुछ एक हजार एक सौ ग्यारह कंट्रीज थी ज्यादातर कंट्रीज मोस्टली मिडिल इनकम कंट्रीज थी मतलब बहुत पुअर कंट्रीज और बहुत रिच कंट्रीज को इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि फिर वो डाटा स्क्यू हो जाता है इसलिए मिडिल इनकम कंट्रीज को लिया एक सौ ग्यारह और उसमें इंडिया जो था सिक्सटी सेकेंड रैंक पे था और वहीं दो हजार इक्कीस की जो रिपोर्ट थी उसमें सिक्सटी मतलब उसके पहले वाली रिपोर्ट में सिक्सटी सिक्स परसेंट था रैंक uh, पे था 109 कंट्रीज थी ठीक है अब उसका अगर आप स्कोर देखोगे तो स्कोर पहले 0.069 था और फिर बाद में 0.18 हो गया था व्हाट दिस 0.06 बेसिकली ना मल्टी डायमेंशनल पुअर स्कोर है ठीक है ये होता है जीरो से वन के बीच में वन मतलब एप्सोल्यूट पावर्टी ठीक है और जीरो मतलब नो no पावर्टी तो ये रेंज है तो जितना आपका ज्यादा आएगा ठीक है इसकी तरफ उतना ही कंट्री ज्यादा पुअर है या उतनी ही ज्यादा लोग वहां पे मल्टी डायमेंशनली पुअर है तो देखोगे 2022 में 0.06 था और 2021 में 0.1 था मतलब ऑलमोस्ट आधा कम हो गया है सो हाफ फिफ्टी परसेंट रिडक्शन वी सीन ठीक है अब उसके बाद होती है वो तो हो गई ग्लोबल uh, रिपोर्ट अब होती है एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी रिपोर्ट जो इंडिया खुद के लिए बनाता है उसमें है ना नीति आयोग बनाती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को यूज करके 2021 में आई थी एक रिपोर्ट जो ज्यादातर आपको किताबों में मिलेगी बट द लेटेस्ट वन इज 2023 तो अगर आप डाटा यूज कर रहे हैं तो 2023 का यूज करें फॉर 2024 यूपीएससी एग्जाम तो एम की जो वैल्यू है इंडिया में वो एकदम हाफ हो गई है फ्रॉम वन और ये वन से लेकर जीरो तक गिर गई है दो हजार से दो हजार -20 तक ठीक है और जो हेडकाउंट रेशो है वो हमने देखा था पहले कितना था 16.1 पॉइंट वो कम होकर फोर्टीन पॉइंट नाइन हो गया इसका ये है मतलब द कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रा फ्रॉम दिस इज कि कुछ कुल थर्टीन पॉइंट फाइव करोड़ लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से ऊपर उठ चुके हैं इस पीरियड में ठीक है कब से दो से दो के बीच में केरला जो है उसमें सबसे छोटा प्रोपोर्शन है मल्टी डायमेंशनल का क्योंकि वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी बहुत है एजुकेशन बहुत हाई है और एजुकेशन हाई है इसलिए न्यूट्रिशन पे भी लोग ध्यान देते हैं तो इस कारण से वो जो है सबसे लीस्ट मल्टी डायमेंशनली पुअर कंट्री है बिहार ऑन द अदर हैंड इज़ द हाईली मोस्ट हाईएस्ट यू नो मल्टी डायमेंशनल पुअर एग्जिस्ट इन बिहार तो क्या डिफरेंस होता है ग्लोबल uh, एम में और नेशनल uh, एम में दस इंडिकेटर बराबर होते हैं लेकिन दो एक्स्ट्रा इंडिकेटर होते हैं एक है मटर्नल हेल्थ और दूसरा है बैंक अकाउंट वाई मेटरनल हेल्प बिकॉज जब ग्लोबली निकाला जाता है ये एम पी आई तो क्या होता है कि कई सारी कंट्रीज है जहां पर जेंडर इज नॉट दैट मच ऑफ एन इशू ठीक है मतलब जेंडर डिफ्रेंसिएशन इतना इशू नहीं है क्योंकि सम हाउ मोस्ट सिविलाइजेश रियली गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू वुमेन फॉर द फैक्ट दैट दे बेयर चिल्ड्रेन ओके सम हाउ ओ ओनली इन इंडिया और नॉट नॉट जस्ट ओनली इन इंडिया बट इंडिया में ये देखा गया है कि इवन दो हमारी पूरी सिविलाइजेशन इसी लिए ज़िंदा है क्योंकि औरतें बच्चे पैदा कर सकती हैं लेकिन फिर भी उन्हें ड्यू न्यूट्रीशन या फिर उनकी हेल्थ की इतनी केयर नहीं की जाती है एंड एंड सम हाउ लाइक देर हेल्थ इज़ नॉट टेकन इंटू कंसिडरेशन एंड ऑन द अदर हैंड इफ देर आर डिफेक्ट्स विद द बेबी और इफ़ यू नो दे डोंट हैव द जेंडर दैट दे नीड इट वाज यूजुअली ब्लेम्ड ऑन द वमेन कि अगर खराब बच्चा हुआ या गलत जेंडर का हुआ तो या फीमेल गलत जेंडर क्या होता है फीमेल हुआ तो ये लड़की की गलती है टीन बर्थ गिविंग वो बहुत कॉमन है एंड विच शुड भी देर बिकॉज योर बॉडी नीड सम टाइम टू डेवलप इन ऑर्डर टू बिकम यू नो रेडी फॉर गिविंग बर्थ तो उसका ध्यान नहीं दिया जाता है तो क्या होता है कि जो जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी और कमज़ोर हो जाती है बिकॉज जब तक वो ग्रो कर रही होती है अपने यू नो उसी टाइम पे दे बिकम प्रेग्नेंट एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट तो बिकॉज इट हैज़ बीन क्वाइट एन इशू इन इंडिया इसलिए मेटरनल हेल्थ को भी जो है इसमें दा रखा है दूसरा बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बिकॉज इंडिया का बैंकिंग सिस्टम हैज़ नॉट बीन वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली क्योंकि कुछ पॉपुलेशन है जहाँ तक क्योंकि प्राइवेट बैंक्स थी और कई सारे एरिया तक तो बैंकिंग सर्विसेज पहुँची ही नहीं क्योंकि इतने गरीब एरिया थे तो बिकॉज बैंकिंग सर्विसेज इक्वली अवेलेबल नहीं थी सबके लिए तो एक ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि अगर आपके पास खाता है तो आप बोल सकते हो कि यू नो यू हैव रेगुलर इनकम वेर यू कैन ओपन अ बैंक अकाउंट सो ये दो जो इंडिकेटर्स हैं ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मायने रखते थे इसलिए उनको भी ऐड किया गया है और ऑफकोर्स यू कैन सी हाइएस्ट

ये है वेस्ट बंगाल त्रिपुरा गुजरात उत्तराखंड महाराष्ट्र सो यू कैन सी बेसिकली एक तरीके से उन्होंने सारी यूनाइटेड सारी जो स्टेट्स हैं उनको रैंक कर दिया है फ्रॉम द जिसमें सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पावर्टी है जिसमें सबसे कम है अब बात करते हैं दूसरे एस्टिमेट्स जो हैं इंडिया में अब तक रहे हैं ऑफ पावर्टी क्योंकि डेवलप होते हैं शुरू से नहीं आ, यू नो शुरू से इस तरीके के मेथड्स नहीं यूज़ किए जाते थे पहले के टाइम में अलग मेथड यूज़ किए जाते थे और हम समझें की कोशिश करेंगे कि ये चेंजेस क्यों आए कैसे आए क्या सोच कर आए लेट्स अंडरस्टैंड दैट सो प्री इंडिपेंडेंस में तीन ऐसे इंसिडेंसेस थे जहाँ पर इंडिया का यू you नो know, कुछ डेटा किसी ने निकाला था कि कितनी गरीबी है फर्स्ट थे दादा भाई नरोजी उन्होंने एटी सिक्स एटीन सिक्सटी सेवन और सिक्सटी एट में एक बुक में लिखा था पावर्टी एन द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जिसमें उन्होंने पावर्टी एस्टिमेट लिखा था कि सिक्सटीन से थर्टी फाइव डॉलर पर कैपिटा पर इन पर ईयर मतलब इससे जो कम कमाते हैं उन्हें उन्होंने गरीबी रेखा में के नीचे रखा था उस टाइम पे ये पावर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे ये सबसिस्टम्स बेस्ड प्रॉपर्टी पावर्टी मतलब क्या कि उतना पैसा जिससे आप अपने आप को सस्टेन कर पाओ

वन एंड वर्ल्ड वॉर टू तो क्योंकि ये उस टाइम की बात हो रही थी दिस आइटी थर्टी थ्री तो ऑफकोर्स आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा है प्री वॉर के डाटा को इस्तेमाल किया है बिकॉज पोस्ट वॉर थिंग्स चेंज जब भी, भी आप इकोनॉमी में देखोगे ना कुछ भी कैलकुलेशन होते हैं ना तो उसमें अगर कोई ऐसा इवेंट होता है बहुत बड़ा कि यू नो ड्रॉट आ गया फेमाइन आ गया अर्थक्वेक आ गया सुनामी आ गई या कोई एकदम सडन इकोनॉमिक यू नो फॉल आ गया तो इन इन इंस्टेंस को अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं डाटा को बहुत डाटा इज नंबर्स ठीक है और नंबर्स विल शो यू वॉट यू विल गिव दैम अगर ऐसे बहुत अजीब सा नंबर आप दे दोगे आउटलायर डाटा में तो डाटा आपको गलत एवरेज बताने लगेगा तो इसलिए कई बार यू विल सी की देट टेन टू नॉट टेक नॉट कंसिडर दीज सिचुएशन वेन दे आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट पॉवर्टी बिकॉज देन इट डजेंट गिव यू अ यू नो रियल पिक्चर है ना तो तब उन्होंने ये लिखा था प्री वॉर प्री वॉर प्राइस के ऊपर और उन्होंने तब ये जो है लेकिन इसको ऑब्वियसली दिस वॉज नॉट रिकोग्नाइज बाय एज अ पॉवर्टी लाइन क्योंकि दिस इज स्टिल वेन इंडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट फिर बॉम्बे प्लान आया था 1944 में जिन्होंने लिखी थी तो, hmm. तो जिन्होंने कहा था कि 75 फाइव रुपीज़ पर कैपिटा पर ईयर जो है उसके नीचे अगर कमाते हैं तो दे विल बी कंसिडर एज पुअर अगेन देर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ पावर्टी लाइन हियर देर इज दिस आइडिया कि कितने मिनिमम रुपए चाहिए एक इंसान को एक साल में टू बी एबल टू लिव ओके एंड ये हम बात कर रहे हैं जब लोगों की सैलरी दो रुपए तीन रुपए चार रुपए दस रुपए हुआ करती थी ठीक है सो यू कैन अंडरस्टैंड ये सेवेंटी फाइव रुपीज पर ईयर है अब बात करते हैं पोस्ट अब इंडिपेंडेंस के बाद जो है कौन से कौन से डिफरेंट कमिटीज आई और उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए उन्होंने किस तरीके से यू you नो know, क्योंकि आ, किस तरीके से हम अब प्रेजेंट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे पहुंचे हैं इसका एक जर्नी है द रीज़न बीइंग इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज़ अ वेरी पुअर कंट्री है ना पुअर आल्सो वेरी मिसमैनेज है ना मिसमैनेज मतलब क्या कि कुछ एरियाज ब्रिटिशर्स ने अच्छे से डेवलप करे थे जैसे बॉम्बे राइट बट कुछ एरिया कोलकाता बट रेस्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया नॉर्थ इंडिया कोई यू uh, नो you know, उस जगह पे बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं था तो एक इशू ये था दूसरा ये था कि उन्होंने जो डेवलप किया था इंफ्रास्ट्रक्चर वो सिर्फ उनके काम के लिए किया था तो दे वुड ओनली यू नो डू द सर्वे इफ इट नीड दे वेस्ट मनी टू यू नो फाइंड आउट वेदर इंडिया इज डूइंग वेल दे वुड ओनली यूज द डाटा एज पर दे तो या तो वो डाटा हमको बताते नहीं थे या वो वो जो एरिया काम के नहीं उनका डाटा कलेक्ट भी नहीं करते थे तो ये दो तीन कारण के बिकॉज ऑफ दीज रीजन बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और क्योंकि यू uh, नो you know, कुछ uh, तरीके नहीं थे तो आप देखोगे इनिशियली हम कैलरी बेस्ड पावर्टी डिफाइन करते थे ठीक है क्योंकि एक ऐसी कंट्री जिसमें सब कुछ खराब है इतनी गरीब है और ब्रिटिशर्स बिल्कुल तहस नहस करके चले गए ऐसी कंट्रीज में क्या होता है ना इंसान सिर्फ जीने तक की कि मतलब भूखा नहीं मर रहा है दैट्स द लाइन ऑफ पावर्टी

वी एम नीलकंठ रथ कमी, रथ कमिटी ने सबमिट करती अपनी रिपोर्ट 1971 में ठीक है दस साल का गैप है उन्होंने कहा था उन्होंने क्या डिफाइन किया कि भाई 2250 कैलोरी इनटेक इंटेक जो है ये डिज़ायर्ड मिनिमम है इतना कैलोरीज चाहिए एक इंसान को टू मेंटेन द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और इसके बेसिस पर उन्होंने मिनिमम कंजम्पशन लाइन ये दे डिफाइन कर दी थी आ, कि इससे वो पॉवर्टी एस्टिमेट करेंगे कि कितने लोग हैं जिनको इतनी कैलोरीज नहीं मिल रही है खाने के लिए पर डे दे विल कम अंडर यू नो पावर्टी तो उस टाइम पे जो हेड काउंट रेशो था वो रूरल एरिया में 40 परसेंट था और अर्बन एरिया में 50 परसेंट था मतलब कि एक एस्टिमेट है कि ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वॉज लिविंग अंडर दिस उनको इतना खाना भी नहीं मिल रहा था फिर नेक्स्ट है वाई के अलग Uh, अलग टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1977 में बनी थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट uh, सबमिट करी 1993 में डाटा उठाया 1973 से 74 का ठीक है इन्होंने बोला कि देखो एक पहले तो रूरल और अर्बन का कैलोरी इंटेक अलग अलग करो क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है तो उन्होंने रूरल का जो है ट्वेंटी करा और अर्बन का टू करा बिकॉज रूरल एरिया में ज्यादा मैनुअल लेबर होती है द लॉजिक वॉज यूज दैट रूरल पीपल डू मोर फिजिकल वर्क देन देर काउंटर पार्ट अर्बन काउंटर पार्ट हेल्थ एंड एजुकेशन वर नॉट टेकन इन अकाउंट तो अगेन इस पॉइंट तक भी हेल्थ और एजुकेशन को गरीबी के एज अ इंडिकेटर नहीं ऐड किया गया था क्योंकि अभी भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी भी हम उसी जगह पे थे कि जहाँ हम बस ये कोशिश कर रहे थे कि लोग भुखमरी से ना मरे देन 1930, 73, 74 के डाटा पे टी डी लकड़ा वाला कमेटी जो थी थी, 1989 में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी नाइनटीन पर कैपिटल मेंंजम्शन एक्सपेंडिचर जो है वो ये अर्बन और रूरल का है इस कमिटी ने एक स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बोली ठीक है मतलब अभी भी ये पुराने वाले की तरह ही यूज कर रहे थे कि हाँ भाई इतनी कैलोरीज होनी चाहिए बट अब वो पूरे देश का नहीं स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन डिफाइन कर रहे थे क्योंकि देयर वॉज क्योंकि अब ये रियलाइजेशन हो गया था कि सारी जो एरियाज़ है अब क्योंकि स्टेट uh, गवर्नमेंट्स भी फंक्शनिंग वेल फंक्शनिंग हो गई थी इस पॉइंट तक तो अब एक तरीके से इट वॉज पॉसिबल टू फोकस ऑन ईच स्टेट क्योंकि जब सॉल्यूशन निकालते हैं ना जैसे अब क्या ज़रूरत है ये हम क्यों कर रहे हैं हम पावर्टी इसलिए नाप रहे हैं क्योंकि हम पावर्टी कम करना चाहते हैं पर जब आप पावर्टी कम करना चाहते हो ना तो उसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता है ठीक है यू कैन जस्ट डू वन थिंग एंड अज्यूम की सब जगह पावर्टी बराबर हो जाएगी हर एरिया की अपनी एक प्रॉब्लम है है ना तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर एक एरिया के हिसाब से आ, जो है पावर्टी को कैलकुलेट करें और फिर उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाएं ताकि उसको हम सॉल्व कर सकें सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर दे वेंट स्टेट स्पेसिफिक एज पर देम अब यहाँ पे उन्होंने जो है एग्रीकल्चरल लेबर और इंडस्ट्रियल वर्कर इनके इनकम को अलग अलग किया सी पी जो बास्के जो हम सी की बात करते हैं लास्ट क्लास में यू नो कस्टमर परचेस प्राइस इंडेक्स वो यूज़ करने की कोशिश करी टू फिगर आउट यू नो पावर्टी लाइन फिर आए सुरेश कमेटी सुरेश तेंदुलकर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005 और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 2009 में 2004-5 का डाटा इन्होंने यूज किया था अच्छा ये लकड़ा वाला कमेटी के हिसाब से 54.9 परसेंट ऑल इंडिया पूरे देश में 54.9 परसेंट लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे थे अब ये जो सेकेंड वाले सुरेश तेंदुलकर कमेटी है इन्होंने बोला कि डज नॉट कंस्ट्रक्ट अ पॉवर्टी लाइन दे अडोप्टेड द ऑफिशियल मेजर ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन लकड़ा वाला मेथ मेथोलॉजी मतलब कि वो भी यही मेथोलॉजी यूज कर रहे थे कैलोरीज uh, की बट उन्होंने प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो हेल्थ केयर और एजुकेशन uh, पे क्लोक कर रहे थे उसको भी अकाउंट में लेना चालू करा अ यूनिफॉर्म अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट वॉज यूज फॉर रूरल एंड अर्बन ठीक है बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि ये तो ठीक है इससे आपको कैलोरीज से तो आपको पता चल रहा है कि कितने लोगों के पास खाने का है बट जो लोग अब अब वो इनकम पे भी आने लग गए थे क्योंकि धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ रही थी और उनको रियलाइज हो रहा था कि यू नो दे हैड एक्स्ट्रा इनकम दैट दे कैन नाउ नॉट ओनली फीड दैम सेल्फ बट ऑल्सो स्पेंड ऑन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन एंड स्पेंड ऑन यू नो हेल्थ केयर तो नाउ दे वर ऑल्सो वॉन्टिंग टू कैलकुलेट दैट अलॉन्ग विथ इट बट जो बास्केट था ट हमने लास्ट क्लास में बात करी ऑल द थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर बेटर लाइफ और सरवाइवल वो एक अर्बन पॉवर्टी लाइन का जो बास्केट था वो दोनों को यूज किया था रूरल और अर्बन के लिए क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भले आप रूरल uh, एरिया में रह रहे हो या अर्बन एरिया में रह रहे हो आपकी बेसिक हाउस होल्ड नीड्स जो है वो सेम है खाना तो रोटी ही है कपड़ा मकान ही है राइट सो दैट्स वाई दे यूज द सेम थिंग और उनके हिसाब से थर्टी सेवन पॉइंट टू परसेंट ऑल इंडिया यू नो वॉज द परसेंटेज ऑफ पीपल अंडर पावर्टी लाइन एंड दिस वॉज मच मोर देन द ट्वेंटी वन पॉइंट एट परसेंट पावर्टी लाइन फिगर्ड बाय द सिक्सटी फर्स्ट राउंड ऑफ एन एस एस ओ तो पुराना डाटा के हिसाब से जब वो सिर्फ कैलोरीज़ देख रहे थे तब सिर्फ जब कैलोरीज़ के बेस पर निकाल रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत यू नो ट्वेंटी वन पॉइंट एट आ रहा था क्योंकि पैसे तो आ रहे थे तो लोग यू नो देर कंज्यूमिंग द अप्रोप्रिएट बट जब उन्होंने दूसरी चीज़ें इंक्लूड करने लगे You know, और दूसरी कौन सी बेसिक चीजें होती खाने के अलावा जो चाहिए लोग कितना खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर पर इंक्लूड करा तो देख टू थर्टी सेलरीज टू मल्टी डायमेंशनल उसके बाद रंगराजन कमेटी दो हजार बारह में कंस्टिट्यूट हुई थी इन्होंने अपनी दो हजार चौदह में रिपोर्ट सबमिट करी है दो हजार और बारह का डाटा यूज कराए उन्होंने जो है एक uh, अर्बन और रूरल पॉवर्टी को सेपरेटली कैलकुलेट कराया अनलाइक प्रीवियसली प्रीवियसली वो सेम बास्केट यूज करते थे दोनों अर्बन और रूरल को कैलकुलेट करने के पे दे दे हैव इनटू अकाउंट बोथ फूड फूड एंड नॉन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर तो खाने की बात तो कर रहे हैं बट खाने के अलावा जो नॉन फूड एक्सपेंडिचर होता है उसे भी यहाँ पे कैलकुलेट किया गया और जो ये पॉवर्टी है ये बेसिकली नॉट बेस्ड ऑन अ हाउस होल्ड और इंडिविजुअल बट बेस्ड ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑफ फाइव एक स्टैंडर्ड यूनिट उन्होंने बना दिया कि अब हम हाउस होल्ड या नंबर ऑफ पीपल की जगह हम एक यूनिट को अ फैमिली ऑफ फाइव मान लेते हैं ठीक है और उस हिसाब से उनके हिसाब से मंथली एक्सपेंड और मंथली एक्सपेंडिचर है ना उस आ गए और उसके अलावा जो कैलोरीज की हम बात कर रहे थे इससे पहले तक जो भी कैलकुलेशन हो रहा था बेसिक कैलोरीज अब उससे थोड़ा आगे चल के बात हो रही है बिकॉज पहले जब कैलोरीज का इस्तेमाल किया जाता था तो उसमें बस ये होता था कि क्या लोगों को जीने लायक खाना मिल रहा है ठीक है नॉट अबाउट दैट दे हैव गुड हेल्थ और नॉट जस्ट बींग एबल टू सर्वाइव बट हियर दे आर ऑल्सो गोइंग टू गो फॉर फैट एंड प्रोटीन बिकॉज अब बात आ रही है कि सिर्फ आपका पेट नहीं भरना चाहिए बट आप स्वस्थ हो और बड़े हो सके जो बच्चे हैं वो अच्छे से बड़े हो सके उनके उनको, उनको इनफ फैट और प्रोटीन मिले ताकि अच्छा डेवलपमेंट हो सके इसे भी उन्होंने काउंट करना चालू करा जब ये किया तो देन दे रीच टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट इतनी पॉपुल इतनी जो थी गरीबी थी बेसिकली अगर हम सिर्फ कैलोरीज पर बात करते हैं जैसे अगर हमने जो नाइनटीन सिक्सटीज़ का डाटा उठाया अगर हम नाइनटीन सिक्सटीज़ का डाटा उठाते सिर्फ कैलोरीज पे बात करते तो अभी हम बोल सकते थे कि भाई हमारे यहाँ की पॉवर्टी तो एकदम फाइव परसेंट फोर परसेंट पर पहुँच पर चुकी है बिकॉज खाना तो सबको मिल ही जाता है बट क्योंकि स्लोली स्लोली उनको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ कैलोरी काउंट करना एक अच्छा तरीका नहीं है टू फाइंड आउट हावर पीपल आर पुअर और नॉट एंड देन दे स्टार्टेड एडिंग अदर थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दे दैट गेव देम अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मच पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी इन इंडिया ओके अब तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी के बीच में जो है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज देखते हैं क्या है यह रिपोर्ट आई थी दो हजार नौ में वो आई थी दो हजार चौदह में यहां पर पर कैपिटा मंथली इनकम एक्सपेंडिचर यूज की गई थी यहां पर मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑफ फाइव ठीक है तो यहां की यूनिट जो थी अलग थी पर कैपिटा मंथली दोनों में बट यहां पर ऑफ वन पर्सन देअर इट्स फैमिली ऑफ फाइव ओनली कैलोरीफिक वैल्यूज व यूज वहां पर कैलोरी के साथ में प्रोटीन और फैट की वैल्यू भी यूज की गई थी एस्टिमेट पावर्टी जो था डाइव थर्टी सेवन पॉइंट टू बेस्ड ऑन ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर फाइव डाटा यहाँ पर एस्टिमेट था ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव बेस्ड ऑन ट्वेंटी ट्वेंटी वन सॉरी दो हज़ार ग्यारह बारह के डाटा के ऊपर बेस था ऑल इंडिया अर्बन पावर्टी लाइन जो डिराइव की थी वो दोनों अर्बन और रूरल के लिए थी बट रंगराजन कमेटी के अंदर अर्बन और रूरल पावर्टी लाइन अलग अलग थी दिस वॉज बेसिकली वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम एक तो यूनिट फैमिली ऑफ फाइफ वाला वो मेन डिफरेंस था दूसरा कैलोरीज और की जगह कैलोरीज प्लस फैट प्लस प्रोटीन चूज किया था और तीसरा कि दैट uh, अर्बन और रूरल को अलग कर दिया गया था ये तीन आप मेन डिफरेंसेस बोल सकते हो इन दोनों में अब बात करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की यूनिवर्सल बेसिक इनकम ना 2016-17 के सर्वे में ये यू नो हाईलाइट की गई थी यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ऐसा कंसेप्ट है जो पूरे ग्लोब में यू you नो know, हर कंट्री कंसिडर कर रही है आइडिया ये है कि एक गवर्नमेंट अपने देश के सारे सिटीजन को एक फिक्स पीरियड में एक फिक्स्ड इनकम दे जिसके लिए उन्हें कोई काम नहीं करना पड़े जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सके ठीक है ये मिनिमम अमाउंट है Uh, जो सबको मिलना चाहिए नॉट डिपेंडेंट नॉप आप अर्बन में रह रहे हो रूरल में रह रहे हो आप फीमेल हो मेल हो कास्ट के हो बारिंग ऑल ऑफ इट ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री शुड गेट दिस फिक्सड इनकम ताकि उससे कोई फ़र्क ना पड़े कि इकॉनमी में उस वक्त क्या हो रहा है या बंदे के पास नौकरी है या नहीं है बट हमेशा हर इंसान के पास इतने पैसे तो होंगे ही कि वो खाना यू नो फूड की जो एथले कोई भूखा नहीं मरेगा बस इतनी जो है इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहते हैं ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन में ना हो कि दे आर नॉट एबल टू लिव ठीक है अब बहुत सारी कंट्रीज हैं जो यूपीआई को कंसिडर कर रही है क्योंकि उससे क्या होता है बेसिकली एम यह है कि सारे सिटीजन को एक गारंटीड इनकम मिले चाहे फिर जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन हो या जो भी उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो यूपीआई इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल की एक गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ठीक है एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इकोनॉमिक सिस्टम को चलते रहने दें कुछ या मेक श्योर दैट द इकोनॉमिक सिस्टम कीप्स रनिंग इन सच अ वे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती रहे ताकि वो पैसे कमाते रहे आ, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सके है ना और उसके अलावा ऐसी सिचुएशन फॉस्टर करे जिसमें कि लोग इनोवेशन कर सके और और यू you नो know, कमा सके यही बात है यही मेन मेन रीजन है तो क्या होता है अब जो लोग हैं जिन्हें नहीं मिल पाता है ये सब फिर गवर्नमेंट क्या करती है उनके लिए स्कीम्स चलाती है तो ये कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इंस्टेड ऑफ यू नो हेल्पिंग इंडिविजुअल्स हु इन सिचुएशन हु आर फॉलोइंग इन पावर्टी अंडर पावर्टी उनकी जगह सबको एक बेसिक इनकम दे दो ना जो यू you नो know, हर उनको पता है उनको फिक्स टाइम पे मिलेगी उन्हें पता है कितना अमाउंट मिलेगा और उनके पास पूरी एजेंसी है कि वो उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो दिस आर द थ्री दिस आर द थ्री हॉलमार्क्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू यूनिवर्सल मतलब सबको मिलना चाहिए अनकंडीशनल मतलब उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर इंसान ये कर रहा है या इस उम्र का है तो ही मिलेगा इस कास्ट का है इस जेंडर का है तो ही मिलेगा नहीं सबको मिलनी चाहिए और कंप्लीट एजेंसी होनी चाहिए उस इंसान के पास कि वो इसको कैसे इस्तेमाल करे ठीक है क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम ही हट जाए अगर मान लो ये जो जो इकोनॉमिक साइकिल uh, होता है उसकी एक मेन प्रॉब्लम ये है कि कभी भी कोई इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का चेंज आता है तो उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट होती है अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उसके कारण लोगों की नौकरी चली जाती है कई बार कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो लोगों की इनकम चली जाती है राइट तो अगर सबको बेसिक इनकम दे दी जाएगी तो फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा ना इन सब चीज़ों का कि भले नई टेक्नोलॉजी आ जाए लोगों की जॉब चली जाए लेकिन सबको पता है कि उनको खाने जितना पैसा तो मिल ही जाएगा दैट्स द कॉन्सेप्ट अब क्या है रैशनल बिहाइंड यू मतलब कि क्या सोच के लोगों ने इसको रिकमेंड किया है सबसे पहला कि यू जो है वो लोगों को फ्रीडम देता है कि वो कैसे भी अपनी मैंने किस भी चीज़ पर वो पैसा खर्चा कर सकते हैं अपना तो उन्हें एक फिक्स अमाउंट मिलता है जिनसे वो अपनी बेसिक नीड्स क्योंकि क्या होता है ना जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि लोग गरीबी रेखा और के नीचे हैं या क्या है तो उसमें आप देखोगे सबको एक ही लकीर से खींच दिया जा जाता है राइट जब हम कैलरीज की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट एवरी वन गेटिंग टू थाउजेंड फोर हंड्रेड कैलरीज लेकिन दर इज दिस कॉन्सेप्ट ना कि सम पीपल लाइक सम थिंग्स मोर देन अदर राइट हो सकता है मुझे दूसरी चीज़ें ज़्यादा पसंद है लाइक सम पीपल लाइक नॉनवेज सम पीपल डोंट लाइक नॉन वेज दे वॉन्ट वेजिटेरियन सम पीपल लाइक मिल्क सम पीपल डोंट लाइक मिल्क बट आप जब एक लाइन से सबको खींच देते हैं ना तो एक आइडिया होता है कि सबको सेम चीज मिलती है राइट जैसे कि आपने गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील देखी होगी दे दे गेट फिक्स मेन्यू रोटी दाल सब्जी रोटी दाल चावल फिक्स्ड नथिंग चेंजेस पर लेकिन दिस इन अ सिचुएशन डायर सिचुएशन जब होती है ना कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है उसमें तो चल जाता है क्योंकि नहीं से भूखे से तो कुछ सही राइट right? बट जब थोड़ी सी इनकम बढ़ती है ना तो लोगों को चॉइस चाहिए ना आई डोंट वॉन्ट टू ईट दाल चावल एवरी डे आई वॉन्ट टू ईट समथिंग एल्स तो इससे क्या होता है लोगों को एजेंसी मिलती है कि वो अपनी चॉइसेस के हिसाब से अपनी बेस यू नो बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं उसके बाद ना जो टेक्नोलॉजी अब क्या होता है ना सबसे बड़ा खतरा मतलब सबसे बड़ा खतरा नहीं डिटरेंट टेक्नोलॉजी का कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसका सबसे बड़ा डिटरेंट क्या होता है कि उससे जो पुराने तरीके से लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी चली जाती है आप देख लो कुछ भी उठा लो वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आने से धोबी दोभी, धोबियों की नौकरी चली गई ओला उबर के आने से टैक्सी वालों की नौकरी चली गई राइट मैसेजेस इंटरनेट व्हाट्सएप यूट्यूब ये यू नो फेसबुक इन सब के आने से सोशल मीडिया के आने से लेटर राइटिंग ख़त्म हो गई तो पोस्टमैन वगैरह जो थे उनकी यू you नो know, या टेलीग्राफर uh, जो थे उनकी उनकी जॉब चली गई राइट सो यू आर सीइंग कि जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो क्या होता है कि एक सेट ऑफ पीपल जो कि इन्वॉल्व थे पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में उनकी नौकरी चली जाती है पर अगर आप सबको यूबीआई दे दोगे तो फिर ये जो रोडा है टेक्नोलॉजी का ये के बीच में रोड पे ही हट जाएगा ना क्योंकि अब तो फर्क ही नहीं पड़ता ना अब कोई चिंता नहीं होगी अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है या वो लोगों को हटा के मशीन लगा देती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोगों को पता है उनकी नौकरी चली भी जाएगी तो उनको एक फिक्स्ड इनकम तो मिलेगी ही मिलेगी तो देन दे विल बी मोटिवेटेड टू यू नो अच्छा ठीक है यहाँ ये वाला काम अब नहीं चल रहा है क्योंकि इसके लिए टेक्नोलॉजी आ गई है कोई बात नहीं मुझे यूनिवर्सल इनकम मिल ही रही है मैं उस पर बैठ के नई स्किल सीखने की कोशिश करता हूँ कुछ और काम कर लेंगे राइट दे विल नॉट बी सो इमोशनली इन्वॉल्व एंड डेडिकेटेड टू दैट जॉब कि उनको थ्रेट फील होने लगे कि टेक्नोलॉजी आ गई है उसके बाद ओवरऑल जो है इनक्वालिटी जो है देश में वो कम होगी बिकॉज सबके पास बेसिक मिनिमम तो होगा ही होगा और उसके बाद यू ना कंज्यूमर जो डिमांड है वो बढ़ेगी कंट्री में आ, जो है आ, क्या बोलते हैं कंज्यूमर डे हमने पढ़ा था जब वी वर टॉकिंग अबाउट द साइक्लिक नेचर ऑफ इकोनॉमी कि अगर इकोनॉमी को बढ़ते रहना है या इकोनॉमी को एक इकोनॉमी एक एक को कंटिन्यूसली चलते रहना तो उसके लिए ज़रूरी है कि कंज्यूमर डिमांड रहे तो अगर आप लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे देंगे तो कंज्यूमर डिमांड कुछ चीज़ों की ख़त्म ही नहीं होगी बढ़ती रहेगी हमेशा रहेगी राइट right? तो दैट मीन्स कि एक तरीके से आप इंश्योर कर रहे हो कि आपकी इकोनॉमी कभी स्टैंड स्टिल पर नहीं आएगी या कभी रुकेगी नहीं क्योंकि आप लोगों को बेसिक इनकम तो दे ही रहे हो तो वो वो डिमांड तो कहीं जाएगी नहीं वो रहेगी हमेशा उसके बाद जो पैसा खर्चा होता है बिकॉज दुनिया बिकॉज देश में गरीबी है तो गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स चलाती है राइट रोजगार योजना यू नो मिड डे मील ऑल ऑफ दिस तो इंस्टेड ऑफ हैविंग नाइन फिफ्टी एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स ठीक है साढ़े नौ सौ स्कीम्स चलती है जो टोटल जी डी पी का फाइव पॉइंट टू परसेंट है ठीक है जितना कमाया जाता है पूरे देश में उसका फाइव पॉइंट टू परसेंट इन इन वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर खर्चा होता है तो इसके बदले यू बी आई दे दो तो आपको यू नो इतनी सारी माथापची नहीं करनी पड़ेगी यू जो है वो क्या होगा लीक्स और वेस्टेजेस रिमूव कर दिया जाते सबसे बड़ी प्रॉब्लम विथ गवर्नमेंट स्कीम्स कि लोग पैसा खाते हैं जो नेता होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो जो पैसा वेलफेयर के लिए आया होता है वो खा जाते हैं अगर अगर आप यू कर रहे हो सबको आप इनकम दे रहे हो हर इंसान को और ये स्कीम्स बंद कर दो तो, तो वो जो लीकेज है जो पैसा घूस में खाया जा रहा है जो पैसा यू you नो know, ले लिया जा रहा है पॉलिटिशियन द्वारा वो वेस्टेज और लीकेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा ठीक है यू को मॉनिटर करना बहुत आसान है क्योंकि एक स्कीम है मतलब कि यू you नो know, साढ़े नौ सौ वेलफेयर स्कीम्स और यू जो है वो लीकेज और करप्शन जो हमने देखा है कि करप्शन होता है वेलफेयर स्कीम्स में सबसे ज्यादा वो कम हो जाएगा क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स रहेगी नहीं क्योंकि वेलफेयर स्कीम्स में ही सबसे ज़्यादा करप्शन होता है क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा पैसा आता है और वहीं दिस इज वेयर मनी इज एक्चुअली यूज्ड ठीक है तो जैसे आपको पता होगा कि आ, जब ये योजना होती है आ, आ, रो, आ, रोजगार योजना तो उसमें पैसे मिलते हैं लोगों को काम करने के तो क्योंकि इंडिविजुअली लोगों को पैसा दिया जा रहा है थ्रू पीपल थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स तो वो क्या करते हैं अब लोगों को पता नहीं है कि उनको कितना मिलना चाहिए और वो मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है तो जो उनको मिलता है वो ले लेते हैं और इसके कारण लोग जो कॉन्ट्रैक्टर है उसमें से अपना कट निकाल लेते हैं बट अगर यू है तो सबको सेम अमाउंट मिलने वाला है ना तो किसी को यू डोंट हैव टू नो कि आपको कितना मिलना चाहिए सबको सेम ही मिलने वाला है तो वो लीकेज जो वो इशू है वो भी सॉल्व हो जाता है वो करप्शन भी खत्म हो जाता है उसके बाद आ, जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिस जो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किसी भी सेक्टर में कोई नई टेक्नोलॉजी आने से अगर नौकरियाँ चली जाती है तो उसके उसका जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन ठीक है क्योंकि अगर गवर्नमेंट सबको सैलरी दे रहा है तो मतलब गवर्नमेंट सबको अकाउंट भी बना के देगा अकाउंट में तो सैलरी देगा हाथ में जाके पैसे अकाउंट तो ना देगा राइट तो एक तरीके से इसका ये मतलब होगा कि देश के सारे लोग जो है वो अटैच हो जाएंगे बैंकिंग सिस्टम से तो आपके पास एक यूनिवर्सल फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबलिश हो जाएगा अब कॉस्ट की बात करें अच्छा ये तो बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन कितना पैसा लगेगा ये सब करने में राइट तो अभी जो हम हमारी वेलफेयर स्कीम्स चल रही है इस वक्त इंडिया में वो जीडीपी का 5.2 परसेंट है और इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने 2016-17 में एक यूबीआई प्रोजेक्ट के ऊपर सर्वे किया था कि कितना पैसा लगेगा अगर हम यूनिवर्सल यू नो बेसिक इनकम लोगों को प्रोवाइड करें तो वो सिर्फ फोर्टी जी का फोर मतलब जीरो पॉइंट परसेंट बच रहा है ओके देन इफ वी इंप्लीमेंट दैट उसके अलावा ये भी है कि यूबीआई जो अमाउंट है वो कैसे डिसाइड होता है वो साल दर साल यू नो रिविजन होता है जैसे आपके जॉब्स में इंक्रीमेंट मिलता है राइट right? जैसे इन्फ्लेशन होता है वैसे ही साल दर साल ये भी पीरियोडिक पीरियोडिकली बढ़ेगा जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी अब क्या चैलेंजेस हैं क्यों यू बी आई जब इतना अच्छा है कम पैसा लग रहा है ईजिली मैनेज हो रहा है उससे करप्शन बच रहा है सब कुछ बढ़िया है तो क्यों अप्लाई नहीं कर पा रहे मेन रीज, रीजन इज कि उसके लिए आपको चाहिए कुछ मेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल आपको एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो सबके पास हो दूसरा आपको एक यू नो जन धन सॉर्ट ऑफ यूनिट गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर अकाउंट uh, रखना पड़ेगा जिसमें वो ये सारा पैसा हर सा हर बार डालेंगी uh, तो उसके लिए आपको ये जनधन मेंटेन करके रखना पड़ेगा उसके बाद सबके पास मोबाइल या उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे वो रिसीव कर सकें ठीक है और ये सब अभी तक हो नहीं पाया है उसमें स्टेप्स आगे हुई हैं करने के लिए आधार आया है बट इट्स नॉट पॉसिबल अभी भी सारे लोग कनेक्टेड नहीं है। areas हैं कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे यू नहीं जा सकता उसके बाद आ, एक ये है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कौन यू you नो know, कौन खर्चा करेगा कहाँ से आएगा यू पी ये बहुत आ, ये अमाउंट कहाँ से आएगा या कौन कितना खर्चा करेगा कौन सा स्टेट कितने पैसे देगा क्योंकि हर स्टेट में आप इक्वल नहीं दे सकते क्योंकि हर जगह गरीबी सेम नहीं है तो वो डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है और उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी उसके अलावा एक बहुत रोबस्ट बैंकिंग सिस्टम चाहिए हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है इस वक्त वो इतना अच्छा नहीं है कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हमारा बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उन एरिया में जो है हमारा यू नहीं पहुँच पाएगा दूसरा यू का एक जो इशू है वो ये है कि अगर <coughs> अगर कुछ लॉस होता है मान लो कुछ ऐसा बड़ा होता है जिसके कारण आ, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो उसमें फिर ये जो स्कीम्स होती है ना वो भरपाई कर देती है ठीक है क्योंकि स्कीम्स कैन बी अल्टर्ड वेरी शॉर्टली है ना आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ़ द आर पर यू में इतनी आसानी से चेंज नहीं लाया जा सकता तो अगर कोई बहुत बड़ा सदमा आता है तो उसमें उसमें अगर कोई इस तरीके के लॉस होते तो उसको कैसे आप काउंट करोगे नेक्स्ट इज देर इज अ पोटेंशियल ऑफ मिस यूज ऑफ यू बी आई फंड यू बी आई क्योंकि हमने देखा बहुत सारा पैसा अभी तक क्या हो रहा है कि नाइन फिफ्टी डिफरेंट स्कीम्स में जा रहा है पैसा तो डिवाइडेड है ठीक है पर दैट मीन्स फाइव परसेंट ऑफ एंटायर जी डी पी इन वन अकाउंट है ना रखा रहेगा तो इसका मिस यूज़ हो सकता है क्योंकि देखो जब भी पैसा बैंक में रखा होता है तो वो फिजिकली वहाँ नहीं रखा होता है बैंक्स क्या करती है या कोई भी जब भी एक बिग लमसम मनी होता है तो उसको लेंड करती है ठीक है बैंक्स जो है उसको इन्वेस्ट uh, करती है ताकि उससे और पैसा कमा सके राइट right? रखा हुआ पैसा किसी काम का नहीं होता है उसको इन्वेस्ट करते रहते हैं तो इसलिए क्या होता है कि अगर इस तरीके का कोई यू नो यू अकाउंट है गवर्नमेंट के पास जिसमें इतना पैसा है फाइव परसेंट ऑफ इंडिया जी डी पी विच इज अमाउंट देन इट देज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट बींग मिस और ऐसा एक्चुअली एक बार हो चुका है यू शुड रीड अबाउट दस दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन यू द मैन हु स्कैम्ड अ कंट्री इट्स अबाउट अ मैन कॉल्ड जोलो

ऑफ वॉल स्ट्रीट वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जो मूवी है वो फंड की गई थी जो लो द्वारा ही सो यून सो ही इन्वेस्टेड इन अ लॉड ऑफ प्लेस लॉस्ड ही यूज टू हैव अ वेरी लाइव बेसिकली गवर्नमेंट को उस पर भरोसा था कि ये जो है अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेगा और पैसा हमारा डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा बट जस्ट दे ही कम्प्लीटली मिस्ड इट अप गो वॉच दिस दिस डॉक्यूमेंट्री इट्स वेरी एक्साइटिंग तो एक बार 2011 में ऐसा पायलट भी हुआ था मध्य प्रदेश में विच वॉज सक्सेसफुल बट प्रॉब्लम यह है ना कोई जैसे कैनेडा ब्राजील ईरान इन लोगों ने यू ट्राई किया लेकिन अभी तक तो किसी भी बड़ी इकोनॉमी ने ना इंप्लीमेंट नहीं किया यू तो इंडिया इज अ लिटिल हेजिटेंट सीम्स लाइक अ गुड आइडिया द पायलट्स हैव गॉन गुड मेक सेंस थ्योरेटिकली बट किसी कंट्री ने अभी तक तो किया नहीं है और हमने ना उसके फेलियर्स नहीं देखे कि क्या क्या हिकअप्स आ सकते हैं हाउ बैड कैन इट बी एंड विथ अ कंट्री दिस लार्ज विथ दिस लार्ज पॉपुलेशन वी कैन नॉट टेक सच रिस्क क्योंकि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो अगर इस तरीके का कुछ होता है तो सडनली वी विल वी विल बी इन अ डीप फाइनेंशियल क्राइसिस अगर ऐसा कुछ होता है तो फर्स्ट वी हैव टू लुक एट अदर कंट्रीज डूइंग इट वो कैसा कर रही हैं उससे क्या उनको क्या उनसे, उनकी इम्प्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन को देख कर उसे सीखेंगे कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है फिर अप्लाई कर पाएंगे उसके बाद देर इज अ अन्सर्टेनिटी वेदर कि यू बी आई विल रिप्लेस और कॉम्प्लीमेंट एक ये रहती है कि जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको फेज आउट करना बहुत मुश्किल है सारे सारे वेलफेयर स्कीम्स को ख़त्म करके फिर यू बी आई को यू you नो know, लाया जाएगा या फिर दोनों को एक साथ जगल किया जाएगा क्योंकि अगर क्योंकि फेज़ आउट करना बहुत मुश्किल है इन स्कीम्स को और सडनली यूबीई को लाना भी बहुत मुश्किल है यू कैन डू इट इन वन डे यू कैन जस्ट स्विच टू वन तो धीरे धीरे होगा अब जब ये धीरे धीरे किया जाएगा फे, एक फेज आउट हो रहा है एक फेज इन हो रहा है तो इस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट दोनों पे खर्चा करेगी तो so, ये जो है बहुत बड़ा बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर टू डू दिस ठीक है द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस इज वेरी डिफिकल्ट लेट्स टॉक अबाउट इनकम इनक्वालिटी इनकम इनक्वालिटी क्या होता है बेसिकली जब एक देश इनकम हम जीडीपी काउंट करते हैं नेशनल इनकम जीडीपी राइट पर हमने बात कर दी जब हम जीडीपी की बात कर रहे थे कि इट डजेंट रियली शो यू एग्जैक्टली हाउ मच ईच पर्सन इज अर्निंग राइट मान लो आपने अपनी एवरेज दस लोग हैं आपकी कंट्री में हर कोई दस रुपए कमाता है तो आपके पास सौ रुपए हैं राइट तो आपकी एवरेज इनकम होगी दस रुपए तो ये है कि परफेक्ट इक्वालिटी सब लोग कमा रहे हैं बराबर कमा रहे हैं सबको भर रहा है लेकिन अब अगर इसी में क्या बोलते हैं कि द एक जना है वो सौ रुपये कमा रहा है और नौ लोग हैं वो जीरो रुपये कमा रहा है तब भी इनकम तो हंड्रेड रुपीज़ होगी ना और इक्वालिटी जीरो हो जाएगी है ना पूरी एकदम कम्प्लीटली इनक्वल सोसाइटी होगी राइट तो जो जीडीपी या नेशनल इनकम होता है ना ये इनकम ये आपको कभी नहीं बताएगा कि कंट्री में इनक्वालिटी कितनी है ठीक है हो सकता है कंट्री करोड़ों में कमा रही हो लेकिन वो करोड़ों किसके पास जा रहे हैं किसकी इनकम है वो नहीं पता चलता है तो इनकम इनक्वालिटी मतलब कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा होना और बहुत सारे लोगों के पास बिल्कुल कोई पैसा ना होना ठीक है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का अराउंड हाउस uh, इसके बेसिकली अर्निंग और इनकम में डिस्पैरिटी होती है बिकॉज लोगों के पास अलग अलग असेट है अर्निंग कैसे होती है चार हमने पढ़ा था कि चार चीजों से अर्निंग होती है अगर आपके पास आप लेबर सेल कर रहे हो तो आपको मिलते हैं वेजेस ठीक है या सैलरी अगर आपके पास लैंड uh, या कोई नेचुरल रिसोर्स है तो आपको मिलता है रेंट अगर आपके पास लिक्विड मनी है कैपिटल है तो आपको मिलता है इंटरेस्ट या अगर आप कोई बिजनेस uh, चलाते हो तो आपको मिलता है प्रॉफिट राइट अब क्या होता है ना क्योंकि हमारी सोशल सिचुएशन ऐसी है कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा मात्रा में यू you नो know, पैसा और एसेट हैं और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है तो जिन लोगों के पास बिल्कुल नहीं है वो बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हैं पर जिन लोगों के पास बहुत सारी एसेट एक्यूमलेटेड है वो तेजी से उनकी इनकम मल्टीप्लाई होती जा रही तो ये जो गैप है ऑफ़ यू नो द प पर्सन हू अर्न लीस्ट एंड द पर्सन हु अर्नस द मोस्ट ये बहुत वाइड होता जा रहा है तभी तो एक कंट्री में आप एग्जिस्ट करो कि जहाँ पे यू नो राइट नाउ बिकॉज ऑफ हाउ कोल्ड डेली इज इन दिस मंथ There are people on the roads of Delhi dying, whereas you have the richest person in the country, let's take money, right? They have this tower house, right? Antilla. But they also, they don't live there. Actually, they live in an estate in uh, UK, which is like a big Mahal. So, you can see what's happening here, right? So, this distance is ja ja because of accumulation of assets on one person. क्यों होती है वट आर द कॉजेज ऑफ इन इन इक्वालिटी एस जैसा मैंने कहा कि असेट जो है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो अर्बन एरियाज में ही होते हैं रूरल एरियाज में नहीं होते ये बिल्कुल विच इज़ वेरी सिमिलर टू आप समझ सकते हो कि जब ब्रिटिशर्स थे तो वो सिर्फ उसी एरिया में पैसा लगाते थे या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करते थे जो उनके मतलब का होता था राइट है ना मुंबई कैलकाटा बीच के बारे में इससे में कोई मतलब नहीं है सिमिलरली प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो कहाँ पे खोलती हैं अर्बन एरियाज़ में वो रूरल uh, एरियाज़ में क्यों नहीं जाती क्योंकि उनको वहाँ उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है राइट right? वही सेम है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा होते हैं रूरल एरिया में कम होते हैं तो अर्बन रूरल डिस्पैरिटी इनकम भी बढ़ती जा रही है इसका सेम एग्जाम्पल विच आई गिव की यू you नो know, एक टाइम पर लाइक अब शहर में अब अगर आप किसी को जाते हो गिफ्ट देते हो कैश इन वेडिंग सो इट गोज अराउंड समथिंग लाइक फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड वही इफ़ यू गो टू अ विलेज वहाँ पे अभी भी सौ रुपये दस रुपये बीस रुपये चलते बिकॉज ऑफ दट इनकम डिस्पैरिटी इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उससे भी डिस्पैरिटी बढ़ती है हमने इंफ्लेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था अगर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन है कैपिटल इंटेंसिव मतलब क्या अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है तो उसमें ज्यादा लोग एंटर नहीं कर पाते ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किराने का स्टोर खोलना है तो इट्स वेरी इजी फॉर यू ना यू कैन जस्ट गो एंड ओपन किराने का स्टोर यू नीड वेरी स्मॉल अमाउंट वन लैख टू लैख थ्री लैख फोर लैख फाइव लाख राइट बट वहीं अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी यू नो यू हैव टू ओपन से फैक्ट्री ऑफ क्रिएटिंग एयरप्लेन्स लाइक बोइंग दैट्स अ वेरी कैपिटल इंसेंटिव इन यू नो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है बहुत कैपिटल इंटेंसिव है वो तो अब क्या हो रहा है ना ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ कैपिटल इंसेंटिव होती जा रही है क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी लोग लगा रहे हैं क्योंकि उसमें एक मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं तो जैसे कि अब जैसे यू नो ये बिग बाज़ार और ये सब आ गया है तो अब आप एक यू you नो know, एक अर्बन एरिया में मल्टी शॉपिंग यू नो जनरल स्टोर टाइप खोलोगे इतना नहीं चलेगा बिकॉज इन कंपेरिजन में यू हैव डी ठीक है तो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो वो कैपिटल इंटेंसिव होती जा रही है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर तो उसके कारण लोग जो है उसमें फ्रीली एंटर नहीं कर पा रहे हैं नए बिजनेस नहीं खोल पा रहे हैं तो जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं अमीर है वो अरीम अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है इन सब में लगाने के लिए राइट right? सो so, अब मेजर uh, कैसे की जाती है एक कंट्री में कितनी इनकम इनक्वालिटी उसको मेजर कैसे किया जाता है सबसे पहला है जिनी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस जिनी कोफिशन इन नेशनल इनकम एंड जी वाले चैप्टर में इट्स बेसिकली इट्स अ कोफिशन दैज़ वॉज डेवलप्ड इन नाइनटीन जीरो से वन तक होता है एक तरीके से लोग कितना कमा रहे हैं कितनी पॉपुलेशन और कितना कमा रहे हैं जितना ज्यादा uh, मतलब जीरो मतलब कि परफेक्ट इक्वालिटी मतलब दस लोग दस रुपये कमा रहे हैं टोटल इनकम जो है हंड्रेड uh, है कंट्री की और एवरेज इनकम टेन है और वन मीन्स इन परफेक्ट इनक्वालिटी मतलब एक ही जना पूरा सौ रुपये कमा रहा है और बाकी नौ जने कुछ नहीं कमा रहे सो दिस इज बेसिकली हाउ इन इक्वालिटी इज जजड बाई जीनीको एफिशियंट ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था सो वे गोइंग टू नॉट डाइल टू इट राइट नाउ सो लॉरेंस कर्व इज बेसिकली बेसिकलीसो द सेम थिंग बट इट्स अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम आइडिया ऑन अ ग्राफ तो मान लो ये नेशनल इनकम है देश में कितना uh, कमाया गया है और ये पॉपुलेशन है फ्रॉम पुअरेस्ट टू रिचेस्ट ठीक है तो ये आप यहाँ पे जो है यू विल डॉट की ट्वेंटी uh, परसेंट जो इनकम है वो कितने लोगों के पास है और थर्टी परसेंट जो इनकम है वो कितने लोगों के पास है राइट तो अगर एक परफेक्टली इक्वल सोसाइटी है तो ये लाइन ऐसी रहेगी सीधी ग्राफ की राइट क्योंकि पाँच परसेंट पॉपुलेशन पाँच लोगों परसेंट लोग पाँच परसेंट नेशनल इनकम पाँच परसेंट पॉपुलेशन के पास बीस परसेंट टोटल नेशनल इनकम बीस परसेंट लोगों के पास हंड्रेड परसेंट नेशनल इनकम हंड्रेड परसेंट लोगों के पास राइट बट जितना ज्यादा ये ग्राफ नीचे ढुलगा मतलब कि जितना ये इसके पास है मतलब पांच परसेंट जो पॉपुलेशन है वो पाँच परसेंट जो इनकम है वो फोर्टी परसेंट पॉपुलेशन के पास है दैट्स व्हाट इट्स शोइंग राइट तो जितना ये नीचे की तरफ जाएगा उतनी ही इनइक्वालिटी है तो लॉरेंजो कर्व इज नथिंग बट इट गिव्स यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ तो ये जो गैप है इसे इनक्वालिटी गैप कहा जाता है ये आपको बताता है कि जितना ये लाइन कर्व ये सेंट्रल लाइन के से दूर होगा उतनी ही ज्यादा इनिक्वालिटी होगी सो so, एक एक कंट्री जिसमें ये कर्व कुछ इस तरीके का है सो यू कैन से मोर और लेस द कंट्री इज़ इक्वल वहीं अगर कंट्री है जिसमें जो ये कर्व है वो कुछ इस तरीके का है तो मतलब वो बहुत ही अनइक्वल कंट्री है सो दिस इज लोरेंजो कर्व फॉर यू परफेक्ट इनक्वालिटी जैसे हम बताया कि परफेक्ट इनकवालिटी जो है वो ये लाइन है और ये जो है इनको ये एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है और ये गैप है ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा इनक्वालिटी रहेगी एक कंट्री में uh, अब बात करते हैं इनकम इनक्वालिटी की इन कंटेक्सट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है ग्लोबली क्या क्या सिचुएशन है इंडिया यू की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया का जो जिनी कोविशन है वो डिक्रीज हुआ है अराउंड फ्रॉम थ्री सिक्स एट पॉइंट थ्री सिक्स एट से पॉइंट थ्री फाइव सेवन स्मॉल डिक्रीज विच मीन्स ए लॉर्ड बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर उसी से आप कंपेयर करो दूसरी डेवलप कंट्री जैसे चाइना यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल रशिया इनसे कंपेयर अगर आप करो तो फिर भी लाइक वी आर एट मच लेस बट बिच बेसिकली इट शोज़ कि कंट्रीज जितनी ज़्यादा डेवलप हो रही है उतनी ज्यादा वहाँ पर इनक्वालिटी बढ़ रही है और इंडिया इज ऑल्सो लाइक इवन दोज बीन लाइक स्लाइड डिक्रीज बट वी आर जितना मेहनत गवर्नमेंट कर रही है उतना फल नहीं मिल रहा है क्योंकि दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक इट इज़ अ पैटर्न देखा गया है कि जितनी कंट्रीज डेवलप होती है उतना ज़्यादा वहां पे इन होती है ऑक्सफोर्म की रिपोर्ट है सर्वाइवल ऑफ द रिचेज द इंडियन स्टोरी उसने रिवील किया है कि जो वन परसेंट है इंडिया के रिचेस्ट वो फोर्टी परसेंट टोटल नेशनल वेल्थ कंट्रोल करते हैं वेर एज फिफ्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द अदर हैंड दे हैव लाइक थ्री परसेंट ऑफ द वेल्थ ठीक है मतलब कि अगर नाइन्टी नाइन परसेंट और ये वन परसेंट ठीक है इनके पास फोर्टी है और इनके पास सिक्सटी है ऑन द अदर हैंड फिफ्टी परसेंट ठीक है ये है पुअर और ये है रिच तो दिस दीज पीपल हैव कितना नाइन्टी सेवन परसेंट इज विद द फिफ्टी परसेंट वो एंड थ्री परसेंट इज विद द लोअर फिफ्टी परसेंट दिस इज ह्यूज इनइक्वालिटी ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया की इनक्वालिटी कम हुई है बट इट्स स्टिल वेरी बिग अब इम्पैक्ट क्या होता है? हैक्वालिटी सच अ प्रॉब्लम ठीक है अगर सब के पास बेसिक इनकम है तो फिर इनक्वालिटी होने दोनों क्या फर्क पड़ता है उससे द रीजन वाई इट्स बैड इज वन सोशल मोबिलिटी खराब होती है हिंडर होती है एक देश की मतलब क्या कि जनरेशनली जो लोग अमीर हैं वो जन उनकी जनरेशन भी अमीर होती है जो गरीब हैं वो जनरेशनली गरीब रह जाते हैं और आ, अगर जो प्रोग्रेस होनी चाहिए एक ठीक है वो नहीं हो पाती क्योंकि जो स्किल है या एक बोल सकते हो ना टैलेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि यू you नो know, एक गरीब घर गर के बच्चे के अंदर ना हो अमीर घर के पर लेकिन अमीर घर के बच्चों को वो एबिलिटी मिलती है कि वो अपने यू नो स्किल्स को होन कर सके एज़ पीपल फ्रॉम लोअर इनकम ग्रुप्स दे हैव टू सफ़र उनके पास टैलेंट भी है तो वो कुछ नहीं कर सकते राइट right? तो एक वो होता है दूसरा इनकम इनिक्वालिटी से क्या होता है अनईक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन ठीक है और जो लोअर इनकम हाउस होल्ड हैं वहाँ के लोगों को बैरियर फेस करना पड़ता है क्योंकि देखो एक देश में जितना ज़्यादा टैलेंट होगा उतना ज़्यादा वो देश प्रोग्रेस करेगा राइट right? पर अगर जो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आ, एक बंदा है जिसने कमेंट एक इकोनॉमिस्ट है उसने कमेंट किया था कि जो दुनिया है ना वो आइंस्टीन के दिमाग को प्रिजर्व करके रखा है और उसको उस पर ना डिबेट करती है कि आइंस्टीन का ब्रेन जो है कैसे बाकी लोगों से अलग है इसलिए वो आइंस्टीन था तो इस बंदे ने इस इकोनॉमिस्ट ने बोला कि आई डोंट केयर हाउ बिग आइंस्टीनस ब्रेन इज बट द रियालिटी इज़ और आई केयर अबाउट द फैक्ट कि कई सारे बच्चे कई सारे लोग जो आइंस्टीन और उससे भी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो सकते थे वो यू नो छोटी छोटी लेबर फैक्ट्रीज uh, में लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज में काम करके और uh, मर गए घिस गए उनको कभी वो मौका ही नहीं मिला कि वो यू you नो know, उस तरीके की एजुकेशन दे सके इसी कारण से आप देखोगे एक नो, चीज़ नोटिस करोगे कि जो टैलेंट शो होते हैं ना जिसमें uh, कई बार यू you नो know, गरीब बच्चे आते हैं अपना टैलेंट दिखाते तो इतना अपलॉस क्यों मिलता है बिकॉज ये वो प्लेटफॉर्म है जो इन लोगों को एक होप देते हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई फाइनेंस करेगा पर ये जो है सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वेर एज अगर एक अमीर इंसान का बच्चा है तो उसको सब कुछ अवेलेबल है वो अपनी कोई सी भी स्किल को होन कर सकता है पर एक गरीब इंसान के बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसी लेवल तक आने में लोअर इनकम इंडिविजुअल जो होते हैं उनके पास हेल्थ केयर की लिमिटेड यू नो एक्सेसिबिलिटी होती है अगर पैसे कम है तो आप हेल्थ पे कम खर्चा करोगे अच्छी चीज़ों की जगह यू नो सस्ती चीज़ें खाओगे अपनी हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं दोगे डॉक्टर के पास इतनी जल्दी नहीं जाओगे यू नो यूल डिले बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड द मनी तो उससे क्या होगा कि देश में हेल्थ डिस्पैरिटी आएगी ठीक है पर जैसे जब देश की हेल्थ की बात आती है ना तो सारे लोगों की हेल्थ का एवरेज किया जाता है राइट सो so, जितने ज़्यादा अनहेल्दी इंडिविजुअल होंगे उतना ही एक नेशनल लेवल पर इंडिया का हेल्थ गिरेगा क्योंकि जैसे अब कई बार कंट्रीज जब पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमिकली तो वहाँ पर एक और डेवलपमेंट मेजर देखा जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है ठीक है जितनी ज़्यादा कंट्रीज डेवलप होती हैं उनकी उतनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है पर अगर अगर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है तो क्या होगा जो गरीब लोग हैं वो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे दे विल ब्रिंग डाउन द ए द जनरल लॉन्गटिविटी ओके एंड दैट वुड थॉर्ट ऑफ इंडिकेट दैट इंडिया इज नॉट डेवलप्ड सो एक तरीके से ये भी एक डेवलपमेंटल मेजर है जो हम लैक अगर इनक्वालिटी बढ़ती जाएगी तो उसके बाद इनकम डिस्पैरिटीज़ है ठीक है लोगों के अंदर फ्रस्टेशन एलियनेशन और एक सेंस ऑफ इनजस्टिस रहेगा क्योंकि एक तरफ जैसे मैंने बताया कि लोग यू नो ठंड में मर रहे हैं दूसरी तरफ लोगों के पास महल हैं लिटरली उसके कारण क्या होगा अगर लोगों के पास सेटिसफेक्शन होगा तो वो उस डिससेटिसफैक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे राइट दैट कुड लीड टू पोलिटिकल अनरेस्ट अगर इक्वालिटी नहीं है और यू नो ग अगर लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि यू you नो know, ये अमीर लोग तो देखो यू नो बर्बाद कर रहे हैं और हमें यहाँ पे खाने के लिए नहीं तो दे विल प्रोटेस्ट बिकॉज यू नो आप सौ करोड़ के मालिक हो या एक करोड़ के मालिक हो वोट तो सबको एक ही मिलता है राइट बट ऑफकोर्स रिच पीपल हैव मोर इन्फ्लुएंस वो देख के गरीब लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें इक्वालिटी फील नहीं होती है देश में एंड दैट कुड लीड टू अ पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी इन द कंट्री अगर बहुत ज़्यादा इनकम इनक्वालिटी होती ना तो वो दो तरीके से इम्पैक्ट करती एक ये होता है कि अगर लोगों के पास कम बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम पैसा है तो उनका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा परचेसिंग पावर कम हो जाएगा तो ओवरऑल जो है डिमांड कम हो जाएगी और हमें पता है कि डिमांड अगर कम होती है ओवरऑल तो फिर इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी और दूसरी तरफ अगर कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो क्या करेंगे वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने लगेंगे उससे क्या होगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो इरोड होगी मतलब कि जितना ज्यादा इन बढ़ेगी उतना ज्यादा इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी और उतना ज्यादा डेमोक्रेसी खराब होगी विच ऑन दैट सेम नोट द फैक्ट दैट अमेरिका जो इतना झंडा फहराता है इन बींग द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री सीन देयर यू नो इन इक्वालिटी रेशो इट्स अराउंड फोर पॉइंट सो दिस इज अगेन अ मेजर कि आपकी कंट्री कितनी डेवलप है अगर आप इन इक्वालिटी को कम कर पा रहे हो तो दैट विल मीन कि आपकी कंट्री ज्यादा डेमोक्रेटिक है और ज्यादा डेमोक्रेटिक है तो ऑफकोर्स इट विल मूव टुवर्ड्स अ बैटर लिविंग स्टैंडर्ड एंड अब क्या क्या मेजर्स है गवर्नमेंट ले रही है इन को कम करने के लिए सबसे पहले लैंड लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड है तो उनको बहुत ज्यादा यू नो दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रेंट फ्रॉम दिस लैंड विच इज गिविंग दैम अ लॉड ऑफ मनी तो अगर लैंड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जो जिन जो लैंडलेस लेबर है उनके पास अगर लैंड हो जाए तो थोड़ी बहुत इनक्वालिटी कम हो सकती है मोनोपोली ना बनने दें ठीक है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में किसी भी कंपनी की या बिजनेस की मोनोपोली ना हो क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दूसरे लोग उस बिज़नेस में एंटर नहीं कर पाते हैं और एक ही इंसान बहुत कमाता है बाकी लोग नहीं कमा पाते तो उसके लिए ये एक्ट आया है एम एक्ट विच इज़ और यह कॉम्पटिशन एक्ट ट्वेंटी 2002 ये तो अबॉलिश हो गया एमआर पी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जैसे मनरेगा ठीक है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम मतलब uh, ऐसा सिस्टम लेके आना जिससे कि uh, गरीब लोगों को कम टैक्स किया जाए अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स किया जाए उसके बाद कुछ uh, मतलब उसके अलावा मोर एक्सेस टू एजुकेशन एंड वेल पेइंग जॉब वन ऑफ द ओनली वेज यू कैन डिक्रीज इन इक्वालिटी इज अगर नई जनरेशन को अच्छी एजुकेशन मिले और हाई पेइंग जॉब मिले उसकी करने की एबिलिटी हो मतलब यू नो प्लेस हो जहाँ पे वो ये सब कर सकें तो इनक्वालिटी कम होगी इसीलिए आप देखोगे कि दिल्ली में कई सारे प्राइवेट स्कूल्स में लो इनकम हाउस होल्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है कि यू नो आपके स्कूल में इतने बच्चे इस इनकम से आने चाहिए वाई आर डूइंग इट क्यों कोटा वगैरह होता है किसी भी तरीके का क्योंकि बेसिकली द आइडिया इज़ कि ये जो यू नो गरीब हाउस होल्ड के जो बच्चे हैं उनको उन उनकी जो नई जनरेशन है उनको मौका मिले कि वो वो वाली एजुकेशन ले सकें जो एक अमीर घर के बच्चों के लिए इजीली अवेलेबल रहती है इससे क्या होगा एक जना कमाएगा तो उसकी दूसरी जनरेशन को वो सेम एजुकेशन दे पाएगा एंड हैंस जनरेशनली दे विल बी एबल टू यू नो इंक्रीज देयर इनकम और सजेस्टेड और उसके अलावा कुछ सजेशन्स आए हैं मेजर्स के एक तो यह कि जो सुपर रिच है ठीक है उनके ऊपर उनको इनहेरिटेंस टैक्स दो वेल्थ टैक्स दो मतलब कि अगर आपको अपने पापा से बहुत बड़ा इनहेरिटेंस मिल रहा है तो उसका कुछ परसेंट शुड भी टैक्स या आप बहुत ज़्यादा के पास वेल्थ है मेरा तो पर्सनली कहना है कि फिक्स इट एट वन ट्रिलियन वन बिलियन वन ट्रिलियन वट एवर वन ट्रिलियन रुपीज अगर आप कमा रहे हो तो उसके बाद आप जितना कमा रहे हो ना वो वो गवर्नमेंट को दे दो नीड टू कीप एक इंसान के पास वन ट्रिलियन डॉलर नहीं होना चाहिए देयर शुड नॉट बी अ जेफ बेजोज इन दिस वर्ल्ड ओके इट जस्ट डजन मेक एनी सेंस क्योंकि जस्ट लाइक like एनर्जी वेल्थ नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड अगर किसी के पास वेल्थ है तो मतलब किसी के पास नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज तो स्टैंडर्ड ही है ना फाइनाइट ही है उसके बाद लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे फोकस किया जाए इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जापान में आज भी कई सारी चीजें जो बहुत आसानी से फैक्ट्री में बनाई जा सकती है लेकिन फिर भी जापान के लोग अपनी पुरानी क्राफ्ट्समैनशिप को बहुत वैल्यू देते हैं और हैंडमेड चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं एंड दैट बेसिकली मीन्स कि दे आर सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग लेबर इंटेंसिव थिंग्स एंड फोकसिंग ऑन यू नो हमें आदत पड़ेगी ना अच्छी अच्छी चीज़ें देखने की लाइक एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट बट हैंडमेड चीज़ें परफेक्ट नहीं होती दे हैव दे आर डिफरेंसेज और उसको अप्रिशिएट करना वो अगर जनता करने लगे तो दे विल फोकस ऑन दीज बाइंग यू नो दिस थिंग्स विच आर हैंडमेड लेबर इंटेंसिव हेंस इट विल नॉट गो टू इट विल नॉट बिकम कैपिटल इंटेंसिव तो अगर आपको साड़ी का फैक्ट्री खोलना है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बस स्किल लेबर्स की जरूरत पड़ेगी राइट एंड उससे इंप्लायमेंट भी होगा और यू नो ईजी होगा लोगों के लिए कंपनी खोलना तो दैट्स वॉट दे मीन बाय नो इंकरेजिंग लेबर इंटेंसिव उसके अलावा एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि पैसे कहाँ जा रहे हैं Uh, और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं और किस तरीके से इन्वेस्ट हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाए ताकि यू नो करप्शन लीकेज वग़ैरह ना हो सके और अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गलत तरीक़ों से पैसे कमा रहा है तो उसको कंट्रोल किया जा सके ठीक है या अगर किसी किसी सोसाइटी में किसी ग्रुप के साथ बहुत ख़राब किया जा रहा है तो उसको यू you नो know, ठीक किया जा सके अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की अनएप्लॉयमेंट क्या होता है रोजगार ना होना ठीक है हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में कि एक इकॉनॉमी को फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक इकॉनॉमी का एक्चुअली पर्पस ही यही है कि वो लोगों को रोजगार दे ताकि लोग उससे पैसा कमा सके और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके यही काम होता का। so, है इकोनॉमी का सो अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली जब देर आर पीपल जो केपेबल हैं काम करने के ठीक है योग्य हैं काम करने के चाहते भी हैं नौकरी ढूंढ भी रहे हैं एम्प्लॉयमेंट चाहते भी हैं काम भी करना चाहते हैं पर उनके लिए सुटेबल जॉब नहीं मिल रही उन्हें अनएम्प्लॉयड कहा जाता है मतलब अगर कोई ऐसा इंसान है जो नौकरी नहीं ढूंढ रहा है तो अगर उसको बस बैठ के खाना है उसको नौकरी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो उसे अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा ठीक है अनएम्प्लॉयड स्पेसिफिक टर्म होती है जिसका मतलब होता है कि इंसान विलिंग हो एजुकेटेड हो स्किल्ड हो उस काम को करने के लिए और एक्टिवली काम ढूंढ रहा हो फिर भी उसे काम ना मिले तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है क्या होते हैं रीजंस अनएम्प्लॉयमेंट के अगर इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो जाती है ठीक है अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा हैं नौकरियाँ कम हैं अगर एजुकेशन सिस्टम आपका फ्लॉड है जैसे हमारे यहाँ आज देखोगे बी की कोई वैल्यू नहीं है बी की डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है पहला ज़माना था लाइक आई रिमेंबर माई फादर टू लेट मी नो कि पुराने ज़माने में जब ही वॉज गोइंग फॉर अरेंज मैरिज तो बी ए फेल यूज टू बी समथिंग जो उनके बायोडाटा में लिखा जाता था सिंपली बिकॉज पास होना भी इम्पोर्टेंट नहीं है द फैक्ट कि आप कॉलेज गए और आपने बी में पढ़ने की कोशिश करी यही बहुत बड़ी बात होती थी ठीक है जो लोग एजुकेशन करते थे बी एम ए में करते थे वो यू नो यूज़ टू बी द टू बी सीन एज हाईली एजुकेटेड बट अगर आज किसी ने बी करा हुआ है तो उसकी न उसकी यू नो you know, खास कुछ बोल सकते हैं कि ब, बेसिक मतलब ऐसा नहीं है कि बीए ए हुए इंसान के पास स्किल नहीं है बट उसको बीए करने से बहुत ज़्यादा स्किल नहीं मिली ये डिफरेंस है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम खराब है ठीक से पढ़ाते नहीं हैं डिग्री फालतू में बिग्री आई नो पीपल जिन्होंने डिग्री खरीदी है ओके okay, खरीदी है लाइक दे डिट गो टू कॉलेज दे जस्ट गेव मनी एंड बॉट अ डिग्री विच इज़ आई मीन इट्स पॉसिबल इन इंडिया उसके बाद तो एजुकेशन सिस्टम अगर फ्लॉड हो तो उसके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है आज आप देख रहे हो सेम चीज़ इंजीनियर्स के साथ हो रही है क्योंकि इतने सारे इंजीनियर्स हैं इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं तो इतने ईजिली डिग्रीज ईज़िली तो नहीं बोलना चाहिए पर मतलब कि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं दे रहे हैं तो लोग इंजीनियर तो बन जा रहे हैं पर उन्हें हायर नहीं करा जा रहा है उस पोजीशन में क्योंकि उनकी एजुकेशन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है स्किल डेफिसिट ठीक है मिसमैच जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन लोगों की वहाँ उस उस एरिया में ये नो स्किल वाले लोग हैं ही नहीं और जहाँ पर जिस जैसे फॉर एग्जाम्पल लेबर जहाँ मेन जो अपना मेजर लेबर होता है काम करना खेत में उसके लिए ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं तो उसके लिए सब लोग है बहुत सारे लोग हैं करने के लिए पर वहीं अगर हम कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की बात करें जैसे एआई हो गया या कुछ तो उसके लिए जॉब तो है काम तो है लेकिन लोग नहीं है जिनके पास वो स्किल हो जिनके पास बहुत अच्छी स्किल आ जाती है वो इंडिया के बाहर चले जाते हैं तो इज दैट ऑल्सो अ प्रॉब्लम लिमिटेड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक प्लानिंग ठीक है पब्लिक प्लानिंग जो की जाती है पब्लिक प्लानिंग क्या होता है बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो फ्यूचर को एक्सपेक्ट करके एक तरीके से आ, प्लान करती है कि किस सेक्टर में उनको यू you नो know, बढ़ाना है किस सेक्टर में उन्हें ज़्यादा पैसा लेके अगर उनको लगता है कि एक टाइम था जब इंजीनियर्स की ज़रूरत थी तो इसीलिए इतने सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स खुले तो वैसे ही अब हमें पता है कि नीड डॉक्टर्स तो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मेक मोर एम्स मोर मोर हॉस्पिटल्स राइट तो प्लानिंग करती है गवर्नमेंट इन अ वे कि जिस फील्ड में जिस स्किल की जरूरत है उस तरीके की एजुकेशन अवेलेबल हो इसके लिए वो स्कॉलरशिप्स देती है दूसरी कंट्रीज़ के साथ टाई अप्स करती है यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़ अगर वो प्लानिंग अच्छे से ना की जाए तो देन दैट ऑल्सो लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट अब समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट अंडर अनएम्प्लॉयमेंट लेबर सप्लाई क्या होता है लेबर सप्लाई इज कितने कितनी क्वांटिटी में लोग अवेलेबल हैं लेबर अवेलेबल है काम करने के लिए और ये मेजर होता है मैन डैश डेज हाउ मैनी पीपल इफ अवेलेबल फॉर हाउ मैनी डेज इस बेसिस पर जो है ये लेबर सप्लाई कैलकुलेट किया जाता है इट्स बेसिकली वर्कर्स हु आर विलिंग टू प्रोवाइड वेरियस विलिंग टू प्रोवाइड दर लेबर एट अ वेज रेट कि अगर इतना रेट है एक घंटे काम करने का इतना पैसा मिलेगा ये रेट अगर फिक्स है और इस पर अग्री करता है तो उसके लिए काम करने के लिए कितने लोग कितने दिन तक काम करने के लिए अवेलेबल है उसे हम लेबर सप्लाई बोलते हैं लेबर सप्लाई जो होता है ना वो इंट्रेंसिकली लिंक्ड होता है वेजेस रेट को क्योंकि अगर वेज रेट कम हो जाते हैं तो लेबर सप्लाई कम हो जाता है क्योंकि अगर लाइक अगर ज़्यादा रेट है तो कई सारे लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए अगर रेट कम होता है तो मैनी पीपल विल नॉट फील दैट द वर्क इज़ वर्थ इट राइट सो इट कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन कि रेट क्या है लेबर का लेबर फोर्स क्या होता है लेबर फोर्स इज बेसिकली कितने इंडिविजुअल हैं जो इस वक्त काम करने में इंगेज है या काम करने के लिए तैयार है आ, ये जो है वेज रेट पर डिपेंड नहीं करता है मतलब ठीक है लेबर फोर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है कि कितना पैसा मिल रहा है क्या वेज रेट है बस ये है कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग काम करने के लिए तैयार है ठीक है मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल बस नंबर ऑफ पीपल

अनएम्प्लॉयड है ये कैसे पता चलता है जो टोटल लेबर फोर्स है उसमें से वर्क फोर्स हटा दो तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि लेबर फोर्स में वो सारे लोग होते हैं जितनी भी लेबर अवेलेबल है काम करने के लिए अगर वेज रेट हो तो उसमें से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें हटा दो तो आपको मिल जाएंगे वो लोग बेसिकली जो अनएम्प्लॉयड है जो काम करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर रेट पर पर उन्हें काम नहीं मिला है और रेट अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो तो नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इन टू हंड्रेड सो दिस विल गिव यू द परसेंटेज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है बेसिकली कितनी लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कर रही हैं उसके लिए आप क्या करोगे कित uh, मतलब एक कंट्री है उसमें सौ लोग हैं तो सौ लोग में से कितने लोग जो हैं uh, काम करने के लिए रेडी हैं ठीक है एट वॉट एवर रेट राइट तो उसके लिए आप टोटल लेबर फोर्स लोगे जो अवेलेबल है उसमें से डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन इन टू हंड्रेड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन अब यहाँ पर लेबर में वो लोग भी आते हैं जो अनविलिंग uh, है काम करने के लिए ऑन अ पर्टिकुलर रेट या वो लोग जो काम करना चाहते हैं पर काम नहीं है उनको इंक्लूड किया जाता है पर यहाँ पर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इज ऑल द पीपल दैट आर वर्किंग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो जो टोटल वर्क फोर्स है, इन क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल इंप्लॉइड पर लैक ऑन जीएलपी रियल जी डीपी बेसिकली ये बताता है आपको हर, एवरी वन लैख रुपीज हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग ओके कितने लोग कमार है कितने लोग नहीं है वर्कफोर्स में अब क्या होते हैं मेथड्स क्या होते हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने के लिए एनएसओ जो है वो तीन मेथड अप्लाई यूज़ करता है जो नाइनटीन सेवेंटी टू से यूज़ करता आया है बेस्ड ऑन नेशनल सैंपल सर्वे डाटा ठीक है इसके हिसाब से ये जो है रिकमेंड की थी प्रोफेसर एम एल दांतवाला कमेटी ने पहली है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस इसका बेसिकली मतलब है वो इंसान जो पूरे साल भर अनएम्प्लॉयड रहे ठीक है ठीके? तो ये आपको जो है एक तरीके से Uh, सबसे कम नंबर होता है ये बिकॉज uh, बहुत सारे लोग पूरे साल भर काम नहीं करना अफोर्ड नहीं कर सकते राइट तो इसीलिए यूपीएस इज लाइक इट एल्स यू द दो पीपल जिनको बिल्कुल कोई काम नहीं मिला है पूरे साल भर ठीक है उसके बाद करंटली वीकली स्टेटस जो होता है सी डब्ल्यू एस ये आपको बेसिकली बताता है कि एक हफ्ते में कितना अगर एक हफ्ते में एक घंटा भी मिला है काम करने के लिए तो उसको ये एम्प्लॉयमेंट कंसिडर करता है और ये जो है आपको कंपेयर टू यूपीएस ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब यू नो गिव्स यू अ हायर रिजल्ट बिकॉज देर आर पीपल हु वर्क वेरी लिटिल बट दे आर एम्प्लॉयड फॉर मोस्ट ऑफ द डेज सो और सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है वो आता है करंट डेली बेसिस पे ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है एम्प्लॉयड मतलब जो पर डे चार घंटे से ज्यादा काम करता है पार्शली एम्प्लॉयड जो एक से चार घंटे काम करता है और अनएम्प्लॉयड जो जीरो आर्स काम करता है तो दिस विल गिव यू द मोस्ट अन डाटा क्योंकि ये जिनको काम थोड़ा बहुत मिल रहा है उनको भी काउंट करता है और जिनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है उनको भी काउंट करता है एज पर सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड सेवन पॉइंट फोर फाइव परसेंट इन फेबरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इट वॉज से इंडिया तो सेवन पॉइंट परसेंट कैसे मतलब फॉर एवरी हंड्रेड पीपल देर आर सेवन पॉइंट फाइव पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड अब दो अलग अलग टाइप की इम्प्लॉयमेंट होती है एक होती है वॉल्ट्री एम्प्लॉयमेंट एक होती है इनवॉलेंट्री इम्प्लॉयमेंट एज द नेम सजेस्ट वॉलंट्री मतलब खुद से खुद के मर्जी से अनएम्प्लॉयड इन वॉलन्ट्री मतलब खुद की मर्जी से नहीं अनएम्प्लॉयड है नौकरी ही नहीं है ठीक है इंडिविजुअल हुआ एबल टू वर्क बट नॉट विलिंग टू वर्क काम कर सकते हैं पर काम करना नहीं चाहते ये जो है पर्सनल चॉइस से काम नहीं कर रहे हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स लेबर फोर्स में इन्हें नहीं गिना जाता है इनके लिए जॉब अवेलेबल होगी लेकिन ये विलिंग नहीं है वो काम करने के लिए और ये यूजली इट रिफ्लेक्ट्स देयर प्रेफरेंस कि वो इस फील्ड में काम नहीं करना चाहते या ये पर्टिकुलर डिसीजन नहीं लेना चाहते इन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है उसमें ऐसा होता है कि वो काम करने के लिए तैयार है बट जॉब ही नहीं है जॉब्स कैसेटी है अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन अगेंस्ट देयर विशेज खुद की मर्जी से अनएम्प्लॉयड में नहीं है क्योंकि नौकरी नहीं है इसलिए अनएम्प्लॉयड है इसलिए इस इस एम्प्लॉयमेंट को यूजुअली हर वर्कफोर्स फोर्स उसमें गिना जाता है हर टाइप के यू नो मेजरमेंट में गिना जाता है इसको क्योंकि ये वो लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं और उनके पास वो स्किल भी है अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू अन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब जॉब नहीं है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है रिफ्लेक्ट्स जॉब स्कैसिटी ऑफ ब्लैक और अपॉर्चुनिटीज और ये यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि या तो उस एरिया में नौकरी नहीं है या अपॉर्चुनिटी नहीं है उस फील्ड में इसलिए उन्हें जॉब नहीं मिल रही है उसके बाद आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये बेसिकली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है ना कंट्री का उससे टाइडअप होती है अगर इकोनॉमी अगर कंट्री का एक पर्टिकुलर तरीके का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जैसे इंडिया का ज्यादातर यू you नो know, बोलते हैं ना हाँ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है तो ये स्ट्रक्चर है इंडिया की इकोनॉमी का उसके कारण अगर इम्प्लॉयमेंट होता अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो उसे स्ट्रक्चरल uh, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं सच एज rapid पॉपुलेशन एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गई सडनली यू नो कैपिटल जो है वो कम पड़ गया तो अब लोगों के पास नया काम करने के लिए कुछ है नहीं तो नए लोग एम्प्लॉय नहीं हो रहे सडनली जो है मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि इकोनॉमी डेवलप नहीं हो रही है इसलिए क्या हो रहा है कि जितने लोगों की जरूरत है एम्प्लॉयज की और जितनी जॉब्स हैं वो मैच नहीं कर रहे द नंबर ऑफ द डिमांड फॉर लेबर जितने लोगों जितने इम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है वो बहुत कम है और इम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा है स्किल मिसमैच होता है मतलब कि लोगों के पास वो स्किल नहीं है मतलब नौकरियां तो है लेकिन उनके पास वो स्किल नहीं है उस नौकरी को करने के लिए और टिपिकली ये लॉन्ग टर्म इशू होता है इकोनॉमी का है ना स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक दो दिन चार दिन एक, एक महीना दो महीने के इशूज के कारण नहीं होता है ये इकोनॉमी का स्ट्रक्चर के कारण होता है इसलिए ये लॉन्ग टर्म इशू होता है दूसरा है डिस्गाइ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्ग अनुप्लॉयमेंट इज जब आप जब बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो जॉब की कमी हो लेबर बहुत ज्यादा हो तो कई बार क्या होता है अब मुझे कोई काम करवाना है ठीक है मैं इस काम को करवाने के लिए दस रुपए देने के लिए तैयार हूं अगर मेरे पास कोई एक जना आता है कि मैं दस रुपए लूंगा ये सारा काम कर लूंगा तो मैं क्या बोलूंगी ओके आई गिव यू टेन रुपीज डू वर्क अब मान लो कि वो बंदर के साथ कोई और अब मुझे उसकी जगह दो बंदे मिल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हम दोनों पाँच पाँच ले ले लेंगे और सारा काम कर देंगे राइट? तो इसे कुछ भला समझ लो अगर ऐसा होता तो एक जने को काम मिलता एक जना अनएम्प्लॉयड होता लेकिन अब इसके कारण दोनों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो बोथ ऑफ देम आर गेटिंग समथिंग बट फ्रॉम द आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू कोई खास आउटपुट नहीं हो रहा क्योंकि अगर एक जने का आउटपुट दस रुपये जितना है तो दो जनों का बीस रुपये का होना चाहिए लेकिन दोनों जने अन एम्प्लॉयड है लेकिन आउटपुट फिर भी दस है तो एक तरीके से बोलते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो बिल्कुल जीरो है उसे डिस्गइज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है और ये डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती है स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में जहां एक ही जने की बहुत सारे जने होते हैं सब काम करने लग जाते हैं क्योंकि यू you नो know, और कुछ है नहीं करने के लिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब किसी कारण से पॉलिसीज uh, में गवर्नमेंट में कुछ इश्यूज़ होते हैं फॉर एग्जांपल स्ट्राइक्स ले ऑफ जॉब ट्रांसेशंस लॉकआउट्स इस और या किसी भी कारण से लेबर मोबिलिटी नहीं हो पाती लेबर इधर उधर नहीं जा पाती है उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है फिर है साइकिलिक अनएम्प्लॉयमेंट साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली मीन्स कि हमें पता है कि इकोनॉमी साइक्लिक नेचर में चलती है प्रोड्यूसर कुछ चीज़ प्रोड्यूस करता है वो सेल करता है राइट right? Uh, उसको uh, जो है कंज्यूमर खरीदता है कंज्यूम करता है वही कंज्यूमर जो है वो अपनी लेबर सेल करता है प्रोड्यूसर को उसके बदले उससे सैलरी लेता है तो साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली कि अगर कहीं एक इस साइकिल में कोई एक जगह अगर कोई रुकावट आती है तो उसके कारण धीरे धीरे करके पूरा साइकिल रुकने लग जाता है तो अगर इनकम uh, कम है तो बिजनेसेस कम लेबर एम्प्लॉय करेंगे कम लेबर एम्प्लॉय करेंगे तो लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होगा लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं होगा तो वो ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदेंगे ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदे तो बिजनेस नहीं चलेगा बिजनेस नहीं चलेगा तो फिर वो और कम लोगों को हायर करेंगे तो, 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 तो ये साइकिल से जो अनएम्प्लॉयमेंट बनता है उसे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है फिर एक क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्रॉनिक रिफर्स टू परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म इशू इन अ कंट्री विच इज सिमिलर टू यू नो स्ट्रक्चरल रूटेड इन फैक्टर्स लाइक साइकिल ऑफ प्रॉवर्टी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी ठीक है स्ट्रक्चरल का ही एक हिस्सा होता है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट जो लॉन्ग टर्म कंट्रीज में इश्यूज़ के कारण होती है जैसे कि कई लोग जो है पावर्टी के साइकिल में फंस जाते हैं क्योंकि वो उनके मां बाप गरीब होते हैं तो वो अपने बच्चों को वो रिसोर्सेज नहीं दे पाते तो वो भी गरीब होते हैं तो उनके बच्चे फिर नहीं पढ़ा लिक, पढ़ लिख पाते तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते एन सो ऑन इज कॉट इन दैट या फिर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और इवन दो लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं स्किल डेवलप करने में एजुकेट करने में पर फिर भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है तो उनकी जो है पीढ़िया फिर से गरीब रह रही है तो उसे क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है जब नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो पुरानी टेक्नोलॉजी में जो स्किल लेबर है उनको नौकरी नहीं मिलती है उसे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली ऐसा ऐसी इंप्लॉयमेंट जो दिन ब दिन होता है जो लेबर जैसे आप देखा होगा लेबर चौकस होते हैं हर सिटी में जहाँ से यू नो लोग जो है डेली आते हैं और किसी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए लेबर लेके जाते हैं राइट तो इसमें यह होता है कि अगर आपको आज लेबर मिली तो ठीक है आज अगर कोई लेके गया किसी ने हायर किया तो ठीक है कल नहीं किया तो नहीं किया कोई डेली नहीं है जैसे कोई सब्जी बेचने वाला हो दुकान वाला हो नौकरी वाला हो तो उनको डेली उनका काम रहता है लंबे समय तक काम रहता है वो साइकिल रोज काम कर सकते हैं बट ये कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट ये उन लोगों की होती है जिनका काम डे टू डे बेसिस पे होता है तो अगर किसी कारण से काम नहीं है तो उन्हें काम नहीं मिलेगा राइट जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से एग्जाम्पल ले लो अगर गर्मी आ गई और गवर्नमेंट ने जो है बैन लगा दिया कि भाई कंस्ट्रक्शन काम को रोक दो क्योंकि अभी पानी नहीं है ठीक है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में पानी लगता है तो कंस्ट्रक्शन अगर बैन हो गया तो जो जो कंस्ट्रक्शन के लेबर है उनको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन में में डे डे टू आप दिन में काम करो आपको दिन में पैसा मिलेगा तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को कैजुअल बोलते हैं नाउ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली कुछ बिजनेसेस कुछ काम सीजनल होते हैं वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज एग्रीकल्चर ठीक है कुछ समय काम होता है कुछ समय नहीं होता है uh, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो जैसे फेस्टिविटी से रिलेटेड जो Uh, जैसे राखी बेचने वाला हो गया पटाखे बेचने वाला इन लोगों का काम पूरे साल नहीं चलता है सीजनल वर्क है तो ये लोग उस टाइम पे जब सीजन चलता है तब काम करते हैं बाकी टाइम उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहती तो उन्हें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे तो अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है इसको मेजर uh, करने के लिए इसका इसको यू नो नोटिस करने के लिए बेसिकली सर्वे किया जाता है जिसे बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इट स्टार्टेड इन इट इज़ डन बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इनिशिएटेड द बेसिकली इन अप्रैल 2017 क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बेसिकली देखना कि कितना एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट है वर्कर पॉपुलेशन रेशो ये सब कैलकुलेट करना हर हर वीकली uh, जो ये निकलता है करंट वीकली स्टेटस उसके बेसिस पे दूसरे चीज़ें एम्प्लॉय करना मतलब इस डाटा को यूज़ करके अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट uh, रेशोज निकालना ताकि पता कर सके कि किस वक्त यू नो प्रिडिक्ट कर सके कि किस वक्त किस तरीके की या किस सेक्टर में किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है टू एन एनुअली एस्टिमेट द अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर इज़ बोथ यूजुअल स्टेटस एंड सी डब्ल्यू स्टेटस इन रूरल अर्बन एरिया तो एनुअली तो सारे यूज़ किए जाते हैं साल में एक बार एम्प्लॉय करते हैं वो आपको ये डाटा देता है कि भाई इंडिया जो है उसमें सेवन पॉइंट समथिंग अनएम्प्लॉयमेंट है ये आपको एनुअल डाटा देता है लेकिन क्योंकि अलग अलग तरीके की यू you नो know, चीज़ें होती रहती है साल भर तो एनुअल डाटा जो होता है वो आपको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं देता है इस बात की कि किस तरीके है क्योंकि अगर आप एनुअल देखोगे तो जो सीजनल काम कर रहे हैं या जो डिजगाइज एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं उनको काउंट नहीं करेगा क्योंकि टेक्निकली दे आर एम्प्लॉयड तो इसके लिए हर थोड़े थोड़े दिन में डाटा फिर से बनाना पड़ता है सो दैट वी कैन कीप एन आइडिया ऑफ वॉट इज यू नो हाउ इज द अनएम्प्लॉयमेंट अब गवर्नमेंट क्या कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए कि कुछ पांच मेन स्कीम्स है जो गवर्नमेंट चला रही है सबसे पहला है आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार योजना जिसमें जो स्पेशली कोविड नाइन्टीन के बाद आई है जिन लोगों को जिन बिजनेसेस को नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा सेक्टर्स को और वहाँ पे इम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है क्योंकि कोविड नाइन्टीन में सब कुछ बंद हो गया उसको हेल्प करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार सर रोजगार योजना इंट्रोड्यूस की गई थी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस बेसिकली हमने देखा है कि अगर जैसे एक परिवार है पाँच छः जनों का उसमें एक ही इंसान कमाता है और सडनली उसको कुछ हो जाता है तो फिर देन क्या होता है सडनली पूरी जो फैमिली है वो पॉवर्टी में प्लंज कर जाती है right? राइट तो एक तरीके से ये योजना थी कि ये बेसिकली एक इंश्योरेंस स्कीम uh, है गवर्नमेंट की कि अगर इनकेस मेन जो अर्निंग पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो इट विल गिव सम मनी टू द फैमिली सो दैट दे कैन यू नो फाइंड समथिंग एल्स अप अपटिल देन उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्ट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस इन्होंने स्टार्ट करी स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम जो जो है आ, जो बेगर्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करता है ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं बचा करने के लिए तो वो भीख मांगने लग गए तो इनको रिहेबिलिटेट करना ऐसी ऐसी वो सब चीज़ें प्रोवाइड करना कि वो एक यू नो सोसाइटी का हिस्सा बन सकें स्किल डेवलप करके काम कर सके दूसरा है पी एम दक्ष योजना पोर्टल एंड मोबाइल ऐप इससे बेसिकली स्किल डेवलपमेंट क्योंकि आ, एक जो मेन अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो इसलिए होती है कि, कि लोगों के पास स्किल नहीं है तो फिर वो ज्यादातर जो है ना डेली लेबर वाले काम में करते हैं काम करते हैं अगर उनके पास स्किल नहीं होती है और उससे क्या होता है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट होती है आज पैसा मिला तो ठीक है नहीं तो नहीं तो गरीबी हमेशा कंटिन्यू रहती है उससे बचने के लिए और लोगों को स्किल डेवलपमेंट एबिलिटी देने के लिए ये एक योजना है आ, उसके बाद ये जो स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट करती है उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अगेन दिस इज आल्सो इट प्रोवाइड थ्री हंड्रेड स्किल कोर्सेज टू इक्विप इंडियन यूथ विथ इंक्ट इम्प्लॉयबल स्किल्स ठीक है बेसिकली मेन फोकस इज इम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्योंकि अगर लोगों के पास देखो इकोनॉमी uh, जो है ना वो साइकिलिक नेचर में चलती है तो अगर आप लोगों को पैसा दे दोगे तो वो कुछ टाइम के लिए काम करेगा है ना जैसे आपने वो देखिए ना कहावत की आप एक बार मछली दोगे तो एक बार पेट भरेगा मछली पकड़ना सिखा दोगे तो जिंदगी भर पेट उसका भरा रहेगा वो वाली सिचुएशन होती है तो इवन दो डायरेक्टली हेल्प करना भी जरूरी है उन लोगों को जिनको यू नो अनएम्प्लॉयमेंट मिला है बट बेस्ट तरीका अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का इज़ कि लोगों को स्किल दी जाए क्योंकि नौकरियाँ हो जाती नौकरियाँ आ जाती है अगर लोगों के पास स्किल हो तो स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है हेल्थ केयर नहीं होती है एजुकेशन नहीं होता है so for chronic poverty chronic unemployment chronic poverty is much worse in that way that's all for today i hope you learned something nice from this class if you have any questions related to this topic write them in the comment and i'll answer them in the next class thank you for listening have a nice day bye